मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ, माँ को फोन दो। अम्मा, ड्राइवर अंकल का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। अम्मा 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 उठो, अम्मा अम्मा उठो, अम्मा 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 क्या हुआ, अम्मा उठो, अम्मा वेट करो, डॉक्टर पहले आ तो जाएं। सावित्री जी हैं, सावित्री जी। रूम सारे फुल हैं, थोड़ा वेट कीजिए, डॉक्टर साहब को आने दीजिए। जल्दी आने को बोलो ना। सुनो अम्मा, उठो उठो अम्मा, अम्मा नर्स नर्स नर्स। इन्हें ऐसे क्यों छोड़ दिया, जानते हो ये कौन है? नमस्ते सर। सावित्री, सावित्री छुपा के हुआ क्या है? कौन है ये सावित्री? सावित्री, तुम जानती हो इस सावित्री को? बच्ची ने पढ़ाई पूरी कर ली है ना? अडेयर वीमेंस कॉलेज से बीए जर्नलिज्म का कोर्स किया है। तुम्हें कोई गोल्ड मेडल भी मिला था ना बेटी? अरे ये तो एमए भी करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी, क्या फायदा? अब इसे ही देखिए, दसवीं तक ही पढ़ाया है, अब दुकान खोल ली है तो सारे दिन रॉब से दुकान पे बैठा रहता है। वैसे ये करती क्या है? न्यूज़पेपर में रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही है। परसों इसका एक आर्टिकल भी छपा था। ए सुनो, हाँ? वो पेपर तो लेकर क्या हो जरा? सुनिए जी, मैंने ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ? हाँ? तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है क्या? अरे यही तो है वो पेपर। भाई साहब मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। 25 सालों से कोडम्बाकम में पापड़ बेचने वाली अंडालम्मा पापड़ कंपनी ने अचार के नए स्वाद के साथ अपना कदम आगे रखा है, यही विशेष बात है। 25 साल और क्यों ना बीत जाए, लेकिन अंडालम्मा मतलब पापड़ और पापड़ मतलब अंडालम्मा होगा। वाह क्या बात है, लड़की हमें पसंद आ गई। मुझे लगता है मेरे बेटे को भी पसंद आ गई होगी। क्यों बेटा? कुछ तो बोल, देखो कैसे शर्मा रहा है। कहाँ जा रही हो बेटी? ऑफिस पापा। क्या आज सांबर मसाला शंकर अम्मा का इंटरव्यू लेना है? वैसे भी अब शादी होने वाली है, ऑफिस छोड़ दे बेटा। होने वाली है लेकिन हुई तो नहीं है ना जी, जाने दीजिए, ये लीजिए कॉफी। पापा ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज मैं लूना पर। हाँ ठीक है। हाँ। एक किक, एक किक में स्टार्ट कर सको तो लेकर जाओ। हाँ
एक और कोशिश पापा। हाँ प्लीज। कहा था ना लड़कियों को बाइक की क्या जरूरत है, अगर कहीं तुम गिर गई तो फिर शादी कौन करेगा। वो एक बाबा आदम के जमाने की गाड़ी है, एक किक में कैसे स्टार्ट हो जाएगी बताइए। मैंने अपने कॉलेज की मैगजीन में एक स्टोरी लिखी थी, पढ़कर बहुत लोग इमोशनल हो गए थे, रोने भी लगे थे। सब टीचर्स ने कहा कि मैं बहुत बड़ी राइटर बनूंगी। अब देखो ना, अंडलामा, पापड़, अचार। आपसे ऐसी बातें कर रही हूँ उसका बुरा मत मानिएगा, जरूरत पड़ने पर मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। अब एक साथ इतना कुछ। जया बहन उठो। वाणी मैडम, आज भी अपने टिफिन लेकर आई हो या सिर्फ पापड़ ही खाओगी? भगवान भगवान प्लीज एक अच्छी सी कहानी दिलवा दो, मैं पापड़ वाली वाणी की कहानी बनकर नहीं रहना चाहती, आप ही कुछ कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आरटीसी स्ट्राइक चरण, ये लो। शेखर। हाँ सर। सीएम है राइट साइड नीलंबा कम बाय 12 o'clock। सीएम है ध्यान से। ओके सर। ओके। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड क्रिकेट मैच। संतोष सर आते वक्त कैप्टन कपिल देव का ऑटोग्राफ लेते हैं ना। सर मेरी बेबी के लिए जाओ। सावित्री कोमा। रानी वाणी सर। क्या कहा? नाम वाणी है सर। ठीक है जो भी हो ये लो। सर वो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो सर प्रॉब्लम है तो बताओ बताओ। प्रॉब्लम है सर, मैं अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट थी, 6 महीने में एक भी अच्छी कहानी नहीं दी आपने मुझे, उस बेवकूफ शेखर को चीफ मिनिस्टर और मुझे कोमा पेशेंट, यही लास्ट चांस है शादी से पहले अच्छा आर्टिकल लिखने का, मैं नहीं जाऊंगी सर। ऐसा ही कहना चाहती थी ना। सावित्री जी की कहानी है, कुछ भी लिख दो ना। वो बहुत महान अभिनेत्री है, अच्छे इंसान है, ऐसी हालत में उनको देखना बहुत दुख की बात है, सब लोग तो यही लिख रहे हैं ना। नया मैं क्या लिखूं? अंडलम्मा भी ठीक थी, कम से कम बात तो करती थी, इसमें तो वो ऑप्शन भी नहीं है। ए वो सब छोड़, वो देख कौन आ रहा है, कितना हैंडसम है, इतना लंबा, बिल्कुल शोले का अमिताभ बच्चन लग रहा है। शोले नहीं, अमर अकबर एंथनी का एंथनी लग रहा है। चुप कर, वो यहीं देख रहा है। देख नहीं, यहीं आ रहा है। सुप्रभात हेमलता जी, सौभाग्य लक्ष्मी जी, त्रिपुरा सुंदरी जी, मधुर वाणी जी। सुप्रभात एंथनी जी। आज सावित्री जी के आर्टिकल कवरेज के लिए मुझे ही फोटोग्राफर चुना गया है। अच्छा, हमारी वाणी को भी वही कवर करने को बोला है। अच्छा जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस है या ये जानबूझ के नाटक कर रहा है? बस आज मुझे एडिटर साहब को पसंद आने वाली फोटो मिल जाए, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? परसों रेलवे स्ट्राइक कवर करने के लिए भेजा था मुझे, कवर किया मैंने, ये देखो। और इसमें स्ट्राइक कहाँ है? एडिटर ने भी यही पूछा था मुझसे। यूनियन लीडर्स का स्पीच देते हुए फोटो लेने में मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आई, बल्कि इस फोटो में मुझे सच्चाई नजर आई। तू तो गई काम से, तेरी कहानी के लिए किसी पेड़ पौधे की फोटो लेकर कहेगा यही सच है। मैं भी अन्ना नगर की तरफ ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी? जी नहीं थैंक्स, मैं बस में चली जाऊंगी। ठीक है, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। आप भी बस से ही चली जाइए। सुरेश भाई, दूरदर्शन में कोई वैकेंसी है क्या? एंथनी जी। अरे वाणी जी, हम सब बाहर क्यों खड़े हैं? जेमिनी गणेशन अंदर कोई पूजा करवा रहे हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। ओ,
क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जिसकी भी फोटो ले रहे हो उसे जरा बताकर खींचना। आज सावित्री को कोमा में गए हुए पूरे एक साल हो गए हैं। इंडिया से, विदेशों से बहुत से स्पेशलिस्ट को दिखाया, कई सारे मंदिरों में पूजा भी करवाई। उसे वेट सोर्स ना आए इसलिए सिंगापुर से एक बेड भी मंगवाया है हमने। 24 घंटे के लिए नर्स रखी है। बहुत पैसे खर्च किए हमने, फिर भी न्यूज़पेपर्स में सावित्री को लाचार लिखा जा रहा है। और इन सब की वजह जमीनी गणेशन है। कुछ भी लिखे जा रहे हैं आप लोग? अगर उसकी जगह मैं होता और वो मेरी जगह होती तब लिखते क्या कि सावित्री की वजह से जमीनी गणेशन को मामा है? मर्द हूँ इसलिए मेरे होते हुए सावित्री को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे जो कहना था कह दिया, आपको जो लिखना लिख दीजिए, जो होना है वो होगा। सावित्री जी को धोखा दिया गया था ना? कौन क्या कर सकता है, अपना नुकसान तो उसने खुद किया। सच तो है वाणी जी, लेकिन ये नहीं वो। सर, सर आज स्टूडियो बंद है, कल आना। सावित्री के घर के पास देखा था मैंने आपको। किसके घर के पास? वही फिल्म एक्ट्रेस सावित्री। मैं सावित्री को नहीं जानता, सिर्फ सावित्री जी को ही जानता हूं। सॉरी सावित्री जी। बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, सावित्री जैसे इंसान के लिए तो इज्जत शब्द भी बहुत छोटा है। लेकिन आप तो घर के अंदर गए बिना ही लौट गए थे। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। वैसे आप लोग कौन हैं? प्रजावाणी अखबार से हैं हम लोग, और ये सावित्री जी की स्टोरी कवर कर रही हूँ। उनके बारे में लिखोगे? तुम्हारी क्या योग्यता है? सिनिस्टर की कहानी लिखने के लिए क्या योग्यता चाहिए? चाहिए माँ के बारे में लिखने के लिए योग्यता चाहिए। 10 रुपए हो तो भी अठन्नी की मदद करने के लिए नहीं सोचते हैं लोग, उस वक्त जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने अवार्ड्स को भी बेचकर मदद की थी। व्यक्तित्व के बारे में लिखना हो तो योग्यता चाहिए, कितनी भी पीढ़ियां आ जाए वो नहीं समझेंगी। तुम लोग नहीं समझोगे, जाओ जाओ यहां से, चलते हैं। ऐसे जाना अच्छा नहीं है, बात करो। आप बताएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे ना। हमारी पीढ़ी सावित्री जी को सिर्फ अभिनेत्री के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन वो इतनी महान क्यों है नहीं जानते। मैं और लोगों की तरह सिर्फ इन पर आर्टिकल नहीं लिखूंगी, सब कुछ जानने के बाद ही लिखूंगी। बताइए ना सर। क्या बताऊं? शुरू से बताइए ना, आपको उनसे अपनी पहली मुलाकात याद है? बिल्कुल याद है। 25 साल पहले कंपनी फोटोग्राफर के तौर पर मुझे विजय वाहनी स्टूडियो बुलाया गया था। जाइए जाइए, खाना हो गया ना, तो फिर जाओ मेकअप टचअप कराओ, टाइम पास मत करो। यहाँ आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो आजा। वो तो सर 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 स्टील फोटोग्राफर जी, गेट खोल दीजिए। जी सर। केशव ना? जी जी सर, चलो। ऐतिहासिक कहानी है क्या? ऐतिहासिक ही नहीं, फैमिली कॉमेडी एक्शन कहानी भी है, सब है इस फिल्म में। अर्जुन सर। ठीक है ठीक है,
ए, ये पकड़ो। सर इतनी बड़ी फिल्म तो मैंने कभी की ही नहीं। इतनी बड़ी फिल्म आज तक किसी ने बनाई भी तो नहीं है ना। तुम घबराओ मत, सिर्फ आज गाना है, एक ही आर्टिस्ट है, सावित्री जी। क्या कहा सावित्री? यार परेशान मत करो, आई है। फ्लैश का इस्तेमाल मत करना, वो है केवी रेड्डी जी। ये नहीं मिस्टर बार्टले, वी नीड समथिंग स्पेशल। ओके, कोई पोजीशन देना। संगीतम पोजीशन दो। सर मैं पोजीशन दो। क्रिस साउंड लेटो जी, थोड़ा ऐसे लेटो, एक्ट करो। मिस्टर बार्टले कैमरा यहां शुरू होगा। व्हेन यू कम हियर दिस इज योर लास्ट फ्रेम। यहां पे कुछ आंसू बहेंगे, तुम्हें उन्हें लाइट अप करना होगा। वो तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन ठीक उसी वक्त पर आंसू कैसे बहेंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना दादा आपके साथ। क्या बात है, साड़ी भी पहन लेते। उठो सिंगीतों, उठो। सुनो, प्यार और दुख दोनों ऐसे दिखने चाहिए जैसे दोनों में कंपटीशन हो। दाई आंख में प्यार और बाई आंख में आंसू। ठीक है संगीतम, ग्लिसरीन तैयार है ना? ग्लिसरीन दो। नहीं सर, बोतल टूट गई सर। क्या? बोतल टूट गई सर। संगीतम ग्लिसरीन लेके आओ। सर वो बोतल टूट गई सर। अक्कल नहीं है, बोतल कैसे टूट गई? आज तुम्हारी वजह से पैकअप करना पड़ेगा संगीतम। सॉरी मिस्टर बार्टली, कल करते हैं पैकअप। क्यों गुरुजी, अभी करते हैं ना? कैसे करेंगे, आंसू कहां से आएंगे? आ जाएंगे। कैसे आएंगे? दोनों आंखों से नहीं सावित्री, सिर्फ एक ही आंख से आंसू आना चाहिए। ग्लिसरीन के बिना काफी टेक्स लगेंगे, कल करते हैं। एक ही टेक में कर लेंगे? मतलब तुम जो करोगी मुझे ओके करना पड़ेगा? मेरा यकीन कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता बच्चे। सावित्री अगर सिंगल टेक में ओके नहीं हुआ ना, तो सबके सामने कैमरा से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है ना? जी गुरुजी। दोनों आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ एक आंख से थोड़े से आंसू चाहिए। कितनी बूंदे चाहिए? जितने कहूंगा आएंगे। ठीक है दो, बाई आंख से दो, मतलब दो ही आंसू बहने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। रेडी? क्यों साउंड? साउंड रोल कैमरा एंड एक्शन। गुरुजी ओके है ना, या एक टेक और ले? क्या हुआ गुरुजी? अगली 10 पीढ़ियों तक बेटी, जब भी तेलुगु इंडस्ट्री में अभिनेत्री का नाम लिया जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। खुश रहो बेटी, खूब नाम कमाओ। जिद्दी हो तुम, बहुत जिद्दी। पूरे मन से लिखना बेटी, अब तक उनकी कहानी किसी ने ईमानदारी से नहीं लिखी। आखिरी बार कब मिले थे इनसे, कुछ याद है? शायद एक साल पहले। वो बहुत परेशान थी, फिर भी वो मुझे नहीं भूली। May 11th, आज से एक साल पहले, जब वो कोमा में गई थी, है ना? हाँ, शायद जब वो बैंगलोर के लिए निकली थी। पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं। कैसे हो केशव? वेंकैप्पा ने बताया कि तुम्हारे घर पोती आई है, बहुत खुशी हुई। अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ, इस बार शंकर जी से भी मिलकर आऊंगी, सतीश भी उनसे मिल लेगा, यकीन है वो सब कुछ संभाल लेंगे। वापस आते तुम्हारी पोती को भी देखना है, तुम्हारी प्यारी दीदी सावित्री।
शायद ये सावित्री जी का लिखा हुआ आखिरी लेटर होगा। ये शंकर जी कौन है? मालूम नहीं, शायद उनके जानने वाले होंगे। शंकर जी, आखिरी दिन सावित्री शंकर जी से क्यों मिलना चाहती थी? ये शंकर जी कोई डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, शुभचिंतक हैं या कर्जा देने वाले हैं? व्हाट ए मिस्ट्री। ये है हेडलाइंस। हाँ, गुड रानी। वाणी सर, वाणी। महान अभिनेत्री सावित्री, पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स, प्रजावाणी की विशेष कहानी। सावित्री जी मैसूर निकली थी शूटिंग के लिए। उस शूटिंग में शंकर नाम का कोई नहीं था सर। शंकर, अगर इनका पता चल गया तो पर्दे के पीछे की सावित्री, जिस सावित्री को कोई नहीं जानता उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। अच्छी कहानी बनेगी। हाँ शेखर, अद्भुत। कैरी ऑन माय बॉट। ओके सर। सर, इट्स माय स्टोरी। रानी, तुमने अच्छी लीड दी है, लेकिन वो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी तरह तुम घूम नहीं सकती, तुम नहीं कर पाओगी। मेरी कहानी शेखर को कैसे दे सकते हैं? वो क्या उनका साला लगता है? बेटी, ये लो अपनी चाय। ये लेटर तो हमें जैसे तैसे मिल गया, लेकिन शंकर जी हमें कहाँ मिलेंगे? क्या आप सच में गोल्ड मेडलिस्ट हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वाणी जी, कहानी प्यार की तरह होती है, जब हमें चाहिए तब नहीं मिलती, जब उसे आना होगा तो अपने आप आ जाएगी। ये शेखर या किसी की नहीं, ये कहानी आपकी है। शंकर जी के बारे में उस कहानी में क्या लिखा है? यही कि सतीश को शंकर जी के पास लेकर जाएंगी। हेलो, हेलो, कोई नहीं है क्या? अम्मा है वहाँ। मतलब तुम सतीश हो? हाँ, क्यों? मेरा नाम वाणी है। आप अम्मा को जानती हैं? जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तुमसे ही मिलने आई हूँ। सतीश, आप लोग बैंगलोर गए थे ना? आपकी माँ ने अपने लास्ट लेटर में लिखा कि वो तुम्हें शंकर जी से मिलवाने लेकर जाएंगी। शंकर जी कौन है? कौन है नहीं जानता। ए, कौन हो तुम? ऐसे अंदर कैसे आ गई? जर्नलिस्ट। हाँ, तो जर्नलिस्ट हो तो ऐसे अंदर आ जाओगी। जाओ बाहर, जाओ बाहर, वेट करो। मैं लेकर चली जाऊंगी, तुम जाओ। जी मैम सर। सतीश। नानी। कितना बड़ा हो गया बेटा। अम्मा देखो, नानी आई है। डॉक्टर ने कहा है अम्मा को सब सुनाई देता है। कहते हैं जितना बात करो उतना अच्छा है। आप भी अम्मा से कुछ कहो ना नानी। अब मैं क्या कहूँ बेटा? कुछ भी, बचपन में अम्मा कैसी थी? जब मेरे जितनी थी? तेरे स्वभाव की थी। जब मैंने तेरी माँ को पहली बार देखा तो तुझसे भी छोटी थी। माँ की कहानी सुनाऊं? सुनेगा? बेटी सावित्री, तुम भी सुन रही हो ना? बहन हो तो रिश्तेदारी निभाने आओ, ऐसे घर बसाने के लिए नहीं। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतने लोगों का पेट कैसे पालूंगा? पता है ना, ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? पति की मौत हो गई, ऊपर से एक बेटी है। देखिए ना कितनी प्यारी बच्ची है। मैंने इसे इसलिए बुलाया कि
कि ये हमें बच्चा ना होने की कमी महसूस नहीं होने देगी। कुछ गलत किया। देखो बात बात पर आंसू बहाना बंद करो, रोना बंद करो। चौखट तक आ ही गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर आने को कह दो इन्हें। अंदर आ जा। बारिश में भीग गई है ये। अरे यहाँ तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तुम इसे भी अंदर ला रही हो, फेंको इसे बाहर। बिचारी को बुखार आ गया तो? तो फिर इसे मैं अपने सर पर उठाकर घूमूं, मुझे ना बुखार चढ़ जाए। चलता हूँ मैं। लाल देह लाली लसे अरु धरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसू। मुझे भी गोद में लो ना। मैं बाद में उठाऊंगी तुम्हें, पहले हाँ ये तुम्हारे पापा है। मेरे पापा हमेशा गोद में लेते हैं या मंदिर में ही? तुम्हारे पापा गोद नहीं लेते? जब मैं 6 साल की थी मेरे पापा भगवान के पास चले गए। चढ़े थे या नाटे? अम्मा पापा मोटे तगड़े थे या पतले दुबले? आज तुझे क्या हुआ है? अम्मा पापा की मूछे थी क्या? क्यों नहीं थी, राजा की तरह इतनी बड़ी मूछे थी उनकी। मेरे पापा की मूछ थी बड़ी बड़ी मूछ। मैं हूँ नीलशंकरा सावित्री और तुम? मेरा नाम सुशीला है। मेरे पापा कहानियाँ सुनाते थे और उनकी मूछें भी थीं। पता नहीं पापा कैसे दिखते थे, लगता है आप जैसे ही दिखते होंगे। कभी पापा से बात करने का मन करे तो आपसे बात कर सकती हूँ? मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? आप बोल नहीं सकते पता है, मुझे सुनोगे बहुत है। पापा फूलों से खुशबू आए चेहरे पे। आराम से रिक्शा में आते इतना क्यों चला रही है, थक गई हूँ। क्यों, इन पैसों से नारियल खाएंगे ना? चल चल जल्दी। दो नारियल के टुकड़े दो ना, पता है बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो बेटा। सुनिए मेरे पैसे दे दीजिए। दादा खाना खा लेना। हाँ? बचपन का ये दिन अपना खुल के मस्ती करे यहाँ, झूमे नाचे मिलकर अब हम, मिलके प्यार से खेलेंगे साथ कभी ना छोड़ेंगे। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नन्ही गिलहरी मैं आजाद पंछी हूँ, ममता की छाव तले बचपन बीते ये मेरा। सबकी हूँ प्यारी मैं, खुद में हूँ रानी मैं, फूल पत्ते तितली संग करती हूँ यारी मैं। खेत खलियानों में पलते, खेत खलियानों में पलते रहते हैं हम मिलजुल के, हर सपना अब मैं दिल से पूरा कर लूं। एक दूजे के बिना अब रह ना पाएंगे, दिल का ये रिश्ता है टूट ना पाएगा कुछ भी हो। बचपन का ये दिन अपना खुल के मस्ती करे यहाँ, झूमे नाचे मिलकर अब हम, मिलके प्यार से खेलेंगे साथ कभी ना छोड़ेंगे। ठीक कहा। अरे ऐसे उछल क्यों रही हो, ठीक से चल नहीं सकती? बहुत चंचल लड़की है, इसको डांस क्यों नहीं सिखाते? हाँ बस इसी की कमी है, मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है, वो कम है क्या? एक बात कहूँ भैया, मेरे साले की बेटी भी ना इतनी बड़ी थी, उसे भरतनाट्यम सिखाने ले गया था। जानते हैं आज वो कितना कमा रही है? कितना? 1 रुपया। 1 रुपया? दिगी दिगी ता, ता, दिगी दिगी ता, दिगी दिगी ता। नमस्कार जी, मेरा नाम वेंकटराम चौधरी है, ये मेरी भांजी है सावित्री। कहाँ गई?
ये है सावित्री, इसे नृत्य का बहुत शौक है। मुझे नहीं है। अपनी छाया में रखकर इसकी कला को चार लोगों के सामने दिखाने लायक कर दीजिए। खुद चार लोगों के सामने चले जाओ। आप जो भी कहेंगे करेगी, कहिए ना। मैं नहीं करूंगी। बहुत अच्छा करती है ये। सुशीला तुम जरा करके दिखाओ। हाँ। ता दिगी दिगी ता, देखो दिगी दिगी ता, दिगी दिगी ता। अरे सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। सोचा था नृत्य सीखकर कुछ बन जाएगी। बच्ची है ना जी, और ये गुण तो पैदाइशी होते हैं। क्यों, कहानियां सुनाने वाले की बेटी है ना, इतना भी नहीं कर सकती? क्यों बिटिया, दोबारा आ गई? मैं आपसे नृत्य सीखने आई हूँ। नृत्य मतलब दिल से सीखना, तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ। मुझे नहीं सिखाना है तो मत सिखाइए। मुझसे नहीं होगा ये कहने वाले आप कौन? इतना घमंड, अगर लोगों को पता चला कि तुम मेरी शिष्या हो तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम जाओ बिटिया। क्यों नहीं होगा मुझसे, कहानी सुनाने वाले की बेटी हूँ ना, मैं करके दिखाऊंगी। नृत्य उसने अपनी इच्छा से नहीं सीखा। जब उससे कहा गया कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तो इस बात को गलत साबित कर नृत्य सीखने वाली जिद्दी बच्ची थी सावित्री। कदम लड़खड़ाने के बाद भी किसी ने उसके पैरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी ने तारीफ की उसकी आंखों की। तुम्हारे गुरु कौन है ये पूछने पर उसने पूर्णिया शास्त्री जी की तरफ इशारा किया। कैसी लग रही हूँ मैं? सामने देख। हमारे अरुणोदय नाट्य मंडली नाट्य के लिए आए हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी को सादर रूप से मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे यहाँ इस मंच पर आकर बहुत खुशी हुई है। सब लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। ए, सब तू ही खा लेगी क्या? तुम लोग नागेश्वर राव को नहीं देखने गए क्या? क्या मतलब, नटराज थिएटर में आए हैं ना? कृष्ण की भूमिका निभाई। पर वो लड़की जिसने कृष्ण की भूमिका यहाँ निभाई, उनको बुलाइए। बुलाइए। अरे सुनो बेटी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ आओ। आओ। अरे मुझे बुला रहे हैं ना, जाओ। लेकिन मुझे नागेश्वर राव को देखना। तुम बाद में भी देख सकती हो। अरे जल्दी आओ ना। क्या नाम है इनका? अपना नाम बताओ बेटी। सावित्री। कुछ तो बात है इस लड़की में। दोस्तों मेरी बात याद रखना, जो कुछ भी ये लड़की एक दिन बहुत कमाल करेगी। मैं तो कहूंगा आज स्टार मैं नहीं बल्कि ये है। कौन है जी वो? पृथ्वीराज कपूर है भाई। हाँ। बंबई से आए, बहुत बड़े हीरो हैं। हाँ। हाँ, कोई फिल्म तो देखी थी, राज कपूर नाम का दुबला सा लड़का था उसमें। हाँ, हाँ, इन्हीं का बेटा तो है वो। ओहो। तुम भी बहुत सवाल करते हो चौधरी, बहुत हिंदी सिनेमा देखते हो। लगता है टिकट्स बहुत बिके हैं। कलेक्शन कितना हुआ जी? हाँ कितना, सारा खर्चा काट कर आपकी बेटी के हिस्से में आया है ये। चवन्नी। पापा कोई हिंदी फिल्मों का हीरो था, कोई कपूर, मेरा डांस देकर अपने गले का हार मुझे पहना दिया। बाकी बातें बाद में बताऊंगी। जल्दी चल। दिक।
नागेश्वर राव। अरे बिचारी, बालराज ने ऑटोग्राफ दिया क्या? नहीं, हाथ दे। आजा। तन्ननारे तन्नना नहीं तन्ननारे ना। केवी चौधरी के समर्पण से प्रारंभ कर रहे हैं नव भारत नाट्य मंडली। नाटकों के बारे में हमें क्या पता होगा? क्या हमें क्या पता? जानती हो सारे के सारे हॉल क्यों भर रहे हैं? हमारी बेटी की वजह से। और ऐसे में सारा फायदा वो ड्रामा वाले लेकर मुझे बस भीख दे रहे हैं। नहीं होगा, वक्त बदल गया है, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इसीलिए ये कंपनी शुरू की है। जब तुम पैरों में पायल पहनकर छन 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 नाचोगी तो मेरी पेटी में पैसे खन 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 भरते जाएंगे। जी मौसा जी, आप देखिए हॉल भरा या नहीं। हॉल भरा है या नहीं? कहीं लोग झगड़ा ना करने लगे, इसलिए सुरक्षा के लिए दो पुलिस वालों को भी रखा है। अब जल्दी करो, जल्दी करो, नाटक शुरू करना है। हे, उठाओ पर्दा। टैन टडे। चलिए यहां से। ए गिरी। हाँ, लोग कहाँ हैं? लोग नाटक देखने नहीं आ रहे, सब फिल्म के पीछे पागल हो गए हैं। आज हमारे गांव में नई फिल्म आई है। तो फिर मैंने जो पूंजी लगाई थी 2 रुपए 3 आने वो डूब गए। डूब गए? सब तो फिल्म के पीछे पागल हैं। सावित्री को फिल्म में भेज दो भाई। अरे इतना लालच तो हमने कहीं नहीं देखा। जवान लड़की को फिल्म ड्रामा कहकर ऐसे कोई घुमाता है क्या? तुम यहाँ क्यों आई थी? हाँ? दाल मांगने के लिए। तो जाकर दाल बनाओ ना। साड़ी तो ठीक से पहन यार। साड़ी नहीं पहनूंगी तो क्या फिल्मों में नहीं लेंगे? जीजा जी, ठीक से नहीं पहनी, साड़ी पहनने से क्या हो जाएगा? देखते देखते पूरे 14 साल की हो गई है, अब इसकी शादी करवा देंगे तो। तुम्हारी भी करवाई थी ना शादी, क्या हुआ? अरे तो क्या मेरी शादी नहीं करेंगे? हरिणी स्टूडियो जाना है। कितने पैसे लोगे? 25 पैसे साहब। मौसा जी, ड्रामे चलते हैं ना? क्यों भाई, हमारा चेहरा देखकर लगता है कि हम लोग यहाँ नए हैं। 10 पैसे दूंगा। नहीं साहब, 25 पैसे नहीं, सिर्फ 10 पैसे। बोला ना 25 पैसे ही। अरे सिर्फ 10 पैसे, ये ले पकड़। अरे हाँ हाँ, इधर आ जाओ। मौसा जी, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है ना। मौसा जी, ये लो अपने पैसे रखो। इतना ही तो मांग रहा था। हाँ जो भी है रख लो। सुनो, अब से तुम मुझे मौसा जी कहकर मत पुकारना। मुझे पापा कहोगी ना तभी इस बस्ती के लफंगों को डर लगेगा। आ जाओ चलो। मतलब गांव जाने के बाद भी पापा कह सकती हूँ? हाँ हाँ कह लेना, आ जाओ। जी पापा। देखो अगर कोई तुमसे उम्र पूछे ना तो 14 मत कहना, 16 कहना। जी पापा। हाँ। एक बात और, यहाँ पर ऐसे रहना जैसे तुम यहाँ की भाषा जानती हो। अगर कोई मिल जाए तो उसे हाँ जी कहना, ठीक है? बेजवाड़ा से चौधरी आया है, जाकर अपने डायरेक्टर को बोल दो। कौन हो तुम?
मेरे पापा। गोकी नैनी पेद बाबू ने यहाँ भेजा है, इस फिल्म में मेरी बेटी काम कर रही है। ऐसा है क्या? ये सब लोग भी इसीलिए लाइन में बैठे हैं। तुम भी जाके लाइन में बैठो। ये कितना बेवकूफ है। प्राण त्याग देखा मैं अपने, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तुम मेरे पापा मुझे नहीं त्याग सकते? तुम मेरे देवता हो और मैं तुम्हारी दासी। हाँ हाँ ठीक है, सामने देखो बेटी। क्या? दाहिनी तरफ देखो। हाँ ऐसे ही ठीक है। हंसो, जोर से हंसो, जोर से। मेरे बाबू ने भेजा है जी। ये सब क्यों? मेरी बेटी इस फिल्म में काम करेगी। नाम क्या है? सावित्री। ये मेरे पापा हैं। आप पेद बाबू को कैसे जानते हैं? वो हमारे मालिक हैं। ये मेरे पापा हैं। बार बार क्यों कह रही हो? वो क्या है कि नाटक में हर बात बार बार करने की आदत है ना। उम्र कितनी है? 14। 16 या 14? मतलब वो समझ गया। ये बड़ा रोल है, ये लड़की काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट। ए, किसी और को भेजो। पापा ये कौन सा स्टूडियो? विजय वाहिनी स्टूडियो, हमारे देश का सबसे बड़ा स्टूडियो है। अरे जाओ जाओ, लोगों को कुचलते हुए जा रहे हैं। सुनो जी मुझे क्या? अरे अंदर जाना है भाई। परमिशन है क्या? भेजवाड़ा से वीके चौधरी आया है, गोकी नैनी पेद बाबू ने यहाँ भेजा है। जो भी हो पहले परमिशन लेके आओ, जाओ यहाँ से, जाओ। पापा चले क्या? नहीं बेटा, परमिशन चाहिए यहाँ पर। नहीं, खाने के लिए। खाने के लिए ना? हाँ चलो अंदर बैठ जाओ। चलो उतरो आराम से। हाँ 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 हाँ, विनायक अच्छा शगुन है, हाथ जोड़ते हैं। हे भगवान, बिना किसी विघ्न के मेरी बेटी को हीरोइन बना दो, इतनी कृपा करो भगवान। भगवान कहाँ गए? कहाँ गए? ओहो अंदर चले गए। चलो चलो। सुनिए भाई, सुनिए। सब साथ साथ चलना, मेरी एक बात सुनना। ये क्या, बीड़ी फूकने के लिए यही जगह मिली? ये फिल्म सेट है जानते हो। वैसे तुम हो कौन? मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ। पहले बीड़ी फेंको। रंगाराव जी, शॉट रेडी है आपका। चलो। वैसे सीन में आपके हाथ में सिगार होना चाहिए। वो नीचे गिर गया। चलो शॉट लेते हैं जी। इस फिल्म का नाम क्या है? साहूकार। हीरोइन फाइनल हो गई है? हाँ हो गई है, कोई नई लड़की है, जानकी नाम है उसका। नई लड़की जानकी है। हीरो कौन है इसमें? सामने वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पहचाना क्या? रामा राव। पूरा नाम नहीं है? क्यों नहीं है? नंदमुरी तारक रामा राव। रास्ता भटक कर आए ब्रदर, पर जीने का अधिकार इन्हें भी है। नंदमुरी तारक रामाराव, ये नाम याद रखना होगा। वैसे आप है कौन? साफ साफ चलो चलो जल्दी चलो। पापा इसके बाद ट्रेन में चले। मैं यहाँ गांव वापस लौटने के लिए पैसे गिन रहा हूँ और तुम्हें ट्रेन चाहिए। यहाँ उम्र 16 ही बताना। आ
आज का ऑडिशन खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। देखिए जी, एक बार देखिए तो सही। एक बार कहा ना ऑडिशन खत्म हो गए, चले जाइए आप। आपकी लड़की किसी में फिट नहीं हो पाएगी। अबे गधे, तू क्या जानता है कास्टिंग के बारे में? तमिल नहीं आती आप लोगों को? एक भाषा नहीं आया तो क्या हुआ? आपकी आंखें कई भाषाएं बोलती हैं। नाम क्या है आपका? सावित्री। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, बड़ी स्टार बनोगी। मैं भी तब से यही कह रहा हूं ना, लेकिन ये नालायक स्टूडियो वाला हमें अंदर आने दे तब तो। रियली सॉरी, अंधा है ये, इसे असली टैलेंट की कदर ही नहीं है, पागल कहीं का। ए चले कल। मैं रामस्वामी गणेशन हूँ, लेकिन यहाँ सब मुझे जमीनी गणेशन बोलते हैं। इनकी कुछ फोटोज ले लूँ आपकी इजाजत हो तो? हाँ ठीक है। थोड़ा इस तरफ, डरो मत, सिर्फ फोटो के लिए। थोड़ा फेस झुका, स्माइल, ब्यूटीफुल। ये लीजिए रिकमेंडेशन लेटर। और किरदार? फिलहाल अभी इनके लिए कोई रोल नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना, थाली सामने रखकर कल खाना परोसने की बात कर रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, बच्ची तो है अभी। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, चलिए पापा। गांव में सावित्री का सभी ने मजाक उड़ाया था कि फिल्म में हीरोइन बनने गई है, लेकिन फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से उसने पहले की तरह नाटक करना शुरू कर दिया। पर इस बार फिल्म ने खुद सावित्री को ढूंढ लिया। सुनिए, यहाँ केवी चौधरी कौन है? क्या उसे आपका पैसा चुकाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो मैं ही हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, साधना नाम की फिल्म संस्था में काम करता हूँ। हम एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें आपकी बेटी को हीरोइन। नमस्कार, दोबारा मद्रास जाकर फोटो खिंचवाने की हिम्मत हमें नहीं है, आप जा सकते हैं। सुनिए चौधरी जी, चौधरी जी, इस पत्रिका में आपकी बेटी की फोटो देखने के बाद ही आया हूँ। क्या? मेरी फोटो? पापा, ये फोटो तो जेमिनी गणेशन ने ली थी ना? आपकी बेटी का किरदार पक्का है, मेरी जिम्मेदारी है। इस फिल्म में और कौन कौन है? एलबी प्रसाद जी का निर्देशन है, नागेश्वर राव जी मुख्य किरदार में है। इधर उधर सिर मत घुमाओ बेटी। नागेश्वर राव जी आ गए क्या? सामने देखो। मेकअप करने के लिए एक और बाल बनाने के लिए प्रतिष्ठा बढ़ जो गई है। कल पोस्टर में एक तरफ होंगे एंटी रामा राव, एक तरफ होंगे नागेश्वर राव और बीच में होगी तू, तब आगे देखना अपना रोल। इधर आओ, एक अच्छी सी फिल्टर कॉफी लाओ। सुनो, उसमें चीनी थोड़ा अच्छे से डालकर लाना। और सुनो, कुछ नहीं जाओ। शॉट रेडी है मैडम? अच्छा है। शॉट रेडी है मैडम? बहुत अच्छा है। शॉट रेडी का मतलब है वो तुम्हें बुला रहे हैं। मतलब नागेश्वर राव जी आ गए हैं। पापा, एलबी प्रसाद जी, आपकी हीरोइन सावित्री यही है। ठीक है। हीरो नागेश्वर आ गए? आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, पहले तुम सीन सुनो। तुम अपनी दोस्तों के साथ कार में आ रही हो, तब सामने से बैलगाड़ी पर हीरो आकर, नागेश्वर है ना? हाँ वही, आकर बीच सड़क में रुक जाता है। तब तुम, ए अपने बाप का रोड समझा है क्या? ए हटो हटो, ऐसा बोलोगी? ए अपने बाप की सड़क समझी है, हटो हटो। गुड गुड, तब वो मानता हूँ कि ये रोड तुम्हारे बाप की है, अब हटो। बस ऐसे ही। वैसे ये हमारी हीरोइन सावित्री, नई लड़की है। नमस्ते जी। हीरो नागेश्वर जी आ गए। अरे सुनो, अरे सुनो, शूट करते हैं, इधर आओ। कैमरा रोलिंग, एक्शन। ए ये सड़क नागेश्वर राव जी की समझी है, हटो हटो। कट। सावित्री, ये नागेश्वर राव की सड़क कहाँ से आ गई? इस बार वो ठीक ठीक करेगी, पहले कभी लड़कों के साथ काम नहीं किया है ना, इसलिए। ये रोड अपने बाप का समझा है क्या?
बोलोगी? ओके एक्शन। ए नागेश्वर राव सड़क मेरे बाप की समझी है? ए ये रोड मेरे छी मेरे बाप की सड़क छी अपने बाप की रोड छी छी ये रोड मेरे बाप की। अरे पापा रोड अपने बाप का समझा है क्या? रोड अपने बाप का रोड अपने बाप की समझी है क्या? एक्शन। क्या है? ए अपने बाप की रोड समझिए क्या? बैकअप। इस लड़की को कौन लेकर आया रे? है मूर्ति इधर आ। सर नाटक में देखा था मैंने। फिल्म को मजाक समझ रखा है? एक्सप्रेशन नहीं है, डायलॉग याद नहीं होता। है सुनो, सिर्फ नाटक करने से कोई अभिनेत्री नहीं बन जाती। हमारा समय बर्बाद मत करो, तुम फिल्मों में काम नहीं कर सकती। लगता है बेचारी किसी गांव से आई है। सही कहा तुमने। बोलना तो आता नहीं, हीरोइन बनने चली आती है। सुनो भाई, मेरा सिर फट रहा है, एक फिल्टर कॉफी लाकर दोगे? अच्छा वाह, छाछ दे रहे हैं, जाकर लाइन में खड़े होकर ले लो। इस फिल्म से अब कोई फायदा नहीं है, देखो हम आज रात की ही गाड़ी से। मैंने कभी फिल्मों में काम करने की बात की थी क्या? आप ही लेकर आए। मैं इस लायक हूँ या नहीं ये कहने वाला वो कौन होता है? सबके सामने चिल्ला रहा था और लोग हंस रहे थे। मैं उस दुकान तक होकर आती हूँ। ठीक है मैं आ जाऊंगी, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो? मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ ये कहने वाला वो कौन होता है? ये सब यहाँ चलता रहता है, दिल पर मत लो। ट्राम में घूमना चाहती थी ना, देखो चले चलो। पाताल भैरव की फिल्म में गाने के लिए निर्देशक केवी रेड्डी जी नई लड़की को लेना चाहते हैं। जिस लड़की को अभिनय करने की इच्छा हो उसके लिए ये सुनहरा मौका है। सबके सामने कहा कि मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ, करके दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। सुनो रेड्डी, एक डांसर के किरदार के लिए 3 दिन का ऑडिशन जरूरी है क्या? छोटा हो या बड़ा जरूरी तो है ना, खोजना तो पड़ेगा ना। पर आखिर कब मिलेगी? जब भी मिल जाए। उस लड़की को देखिए, वो लाल ओढ़नी वाली, इतनी दूर से भी एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे हैं उसकी आंखों। ऑडिशन रोक दो, लड़की को बुला के लाओ। स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें पसंद आनी चाहिए ना। देखो वहां डायलॉग्स याद कर रही है ना वो लड़की। आप इस लड़की की बात कर रहे थे? नहीं चक्रपाणी जी नहीं, एक बार देख तो लो। 56 बार देख चुका हूँ जी, इस लड़की को डायलॉग बोलना नहीं आता। सुनो डायलॉग्स याद हो गए ना? हाँ ठीक है, आपकी मर्जी। एक्शन। చేతిలో లేకుండా చెప్పిన మాటలు అబద్ధాలు కాకేమంటే, ఆయన దగ్గర డబ్బుంటే ఎంతైనా ఇస్తాడు, కానీ లేదుగా ఆయన ఆస్తంతా ఈ ఇంటికి ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి కుటుంబ గౌరవానికి ఖర్చు పెట్టేశాడు. अगर यही तुमने पहले कर लिया होता तो तुम्हें संसार फिल्म से निकालता ही नहीं। ठीक है, किस्मत में लिखा है कि मैं ही तुम्हें फिल्मों में लेकर आऊं। अब देखिए राघव जी, मेरी बेटी को अब जाकर फिल्मों में चांस मिल रहा है, मद्रास में घर भी खरीद लिया है, और अब ये लोग बंगाली दारूबाज की कहानी करने को कह रहे हैं। आपकी बेटी को हमने शादी करके देखो फिल्म में देखा था, उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक तमिल फिल्म भी ओके कर दी है ना, मनिक पनी मांगल्यम। तुम चुप रहो, मनपोल मांगल्यम,
डायरेक्टर पुल्लया जी, अच्छी कॉमेडी फिल्म है तो इसीलिए आपकी फिल्म नहीं कर पाएंगे जी। अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? पार्वती जमींदार से कैसे शादी कर सकती है माँ? जमींदार कौन है? अरे वो भुजंग राव माँ, बुढ़ा कहीं का, 4 बच्चे हैं, 60 साल की उम्र में शादी कैसे कर सकता है? देवदास भी नहीं रोक रहा। अच्छा तो ये किताब पढ़कर रो रही है? पगली कहीं की, अब सो जा। मुझे ये फिल्म करनी है माँ। लेकिन तुम्हारे पापा तमिल फिल्म वालों को हाँ कर चुके हैं। वो भी करूंगी मैं, कोई भी फिल्म करूंगी। ये पार्वती है माँ, देवदास की पार्वती। पढ़ते समय लगा मैं ही पार्वती हूँ। आप ही पापा से बात करके मनाइए ना। वाणी जी, मैं कब से आपको देवदास फिल्म साहूकार जानकी के साथ शूट करके बंद कर दी गई थी, पता है? ओ अच्छा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ की उम्र सिर्फ 18 साल थी, छोटी उम्र ही थी। मेरी बात क्या ये थी कि आप ही हैं? थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप कौन हैं? मेरा नाम जीवी जी कृष्णा है, मेरे दोस्त केशव ने आपके बारे में बताया था। तो क्या आप शंकर जी को जानते हैं? शंकर जी को तो नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत दिनों से सावित्री जी पर कहानी लिखना चाहता था। लेकिन आप आपने देवदास देखी थी? नहीं नहीं देखी। एंथनी जी, उसमें जमींदार भुजंगराव के बड़े बेटे का रोल किया था मैंने। शूटिंग में जब भी सावित्री जी को थोड़ा वक्त मिलता तो मैं उनसे जाके बात किया करता था, उनकी फिल्मों के बारे में नहीं, उनकी पसंद नापसंद, दुख सुख, उनके कितने अनुभव, सब ऐसे ही धरे रह गए हैं। मैं उनके बारे में लिख ही नहीं पाया, लेकिन सबको उनकी कहानी पता होनी चाहिए। केशव ने कहा उसने आप में ईमानदारी देखी, अब उनकी कहानी आपको ही पूरी करनी होगी। कट। पड़ोसी लड़की की तरह दिखना चाहिए सावित्री, थोड़ी और मासूमियत चाहिए। जी डायरेक्टर साहब। सुनो लड़की, देवदास में नागेश्वर राव को मत देखो, नागेश्वर राव में देवदास को देखो, समझ गई? अरे हीरो साहब, आप पार्वती में सावित्री को मत देखिए, सावित्री में पार्वती को देखिए। ठीक से करना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी सीनियर आर्टिस्ट को ले लेते हैं, ये कोई साधारण किरदार नहीं है, पार्वती है। इसमें कुछ तो बात है मनिकम, देखते हैं। पायल देकर मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है? अरे वहाँ तमिल फिल्म वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, चलो। सिर्फ एक शॉट पापा, आ जाऊंगी। पायल देकर बस करो, मुझे परेशान की फिल्म कर के लिए इतने शॉट क्यों? मेरी बात तो पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है कि कट 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 क्या हुआ, तमिल नहीं आती क्या? शुरू में कुछ नहीं आता, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। अभी अभी कुछ नया लिखा है मैंने। கழுத்துல கடக்கற தாலி எவ்வளோ கனமா இருந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிற மனப்பக்குவமும் காதலும் பாசமும் அதிகம். மத்தப் ஜிந்தி பர் ஜிஸ் மங்கல் சூத்திரக்கு சீனே சே லாய ரக்கா ஹை வோ கித்தனா பி பாரி க்யோ நா ஹோ ஹமே உசே குஷி குஷி டோனா சாஹியே. இசே படியே, இஸ் பாஷா கோ ஜித்னி சுந்தர்தா சே போலோகி உத்னி ஹி ஜல்தி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கோ ஹிலா கர் ரக் தோகி. ஹிலா கர் ரக் தோ. सावित्री यहाँ देखो, कहा था ना एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी, सही कहा था ना? आप यहाँ फिल्मों में सिर्फ हीरोइन होती है क्या, हीरो नहीं होते? अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं आया कि जीजी आप ही हैं, मद्रास आकर आपसे मिलना भी चाहती थी। वो क्यों? आपकी ही वजह से यहाँ हूँ, आपकी ली हुई फोटोज की वजह से मुझे फिल्मों में चांस मिला। वेरी वेरी थैंक्स। नॉनसेंस, तुम में टैलेंट है इसलिए तुम यहाँ हो।
वैसे शूट का फर्स्ट डे कैसा रहा? ये सिनेमा और ये भाषा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या है? किताब पढ़ने के लिए भाषा का जानना जरूरी है, भाषा जानने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी नहीं। तो फिर कैसे आएगी, ये भी आप ही बता दीजिए। जिंदगी जीने से आएगी। वो कैसे जीनी होगी? शूटिंग खत्म होने के बाद मेरे साथ चलो, जीना सिखा दूंगा। उई माँ, पापा से क्या बोलूंगी? जो भी भाषा आती है उसी में बोल दो। बिल्कुल भी नहीं, मेरी किताब मुझे दे दीजिए। अभी तक तुम्हें डायलॉग याद नहीं हुए, अच्छे से पढ़ लो। अभी वहाँ पर कोई तुम्हें ही देख रहा था, वो लोग शायद तुम्हें अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहेंगे, उसे भी हाँ कह देना। अरे उसके बाद तो हम पर पैसों की। पापा, गुरुजी ने कॉस्ट्यूम देखने के लिए बुलाया है, मैं खुद घर आ जाऊंगी। अरे इतना बड़ा लंगूर। के नाम पर अस्पताल क्यों लेकर आए हो? जिंदगी शुरू और खत्म हॉस्पिटल से ही होती है ना। कैसी है आंटी, ठीक है ना? तुम यहाँ बैठ के इनसे तमिल सीखो, मैं अभी आता हूँ। मैं कैसे समझूंगी? उड़ंबेल्ला सक्करम्मा ஒரு லட்டு இல்ல ஒரு சீலே இல்ல லட்டு பெரிய ரோதனை என்ன இது திங்காதே அது திங்காதேன்னு ஒரே இம்சை ஹலோ क्या कह रही थी आंटी? जब समझ ही नहीं आया तो कैसे बताऊं कि क्या कहा? बातों को समझने के लिए भाषा का जानना जरूरी है, पर दिल को समझने के लिए तुम्हें दिल से बातें करना सीखना होगा। नाल मतलब चार है ना दादी? उन्ना वृद्धम मतलब? इसका मतलब है भूख हड़ताल। हंस क्यों रहे हो? इन सब लोगों को अलग तेलुगु राज्य चाहिए और मांग रहे तमिल में। भाषा में क्या रखा है उसमें छिपी भावना को समझना ही काफी है। கழுத்துல கிடக்குற தாலி எவ்வளவு கனமா இருந்தாலும் அதை கடைசி வரைக்கும் தாங்குற மனப்போக்கு, பக்தி, காதல், அன்பு, பாசம், நேர்மை, இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். இது கூட என் வாழ்க்கையில விதிக்கலையாப்பா, சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க. போலும் நான் பேட்டி, तुम्हें तमिल बोलते हुए सुनकर तमिल लड़कियां खुद चौंक जाएंगी, तुम्हें तो डबिंग की भी जरूरत नहीं है। अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया किया। तुझे
गया। नहीं एक मिनट एक मिनट, सोचता हूँ कुछ। इनके सोचते सोचते कहीं मुझे ना नींद आ जाए। तो चलो नींद उड़ा देते हैं। आजा बेटा आजा। इन खेल खिलौनों का क्या फायदा, अपने पापा के साथ तो कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला। क्यों, चौधरी साहब ने तुम्हें कभी ऐसे खिलाया नहीं? वो मेरे मौसा हैं, बाप की तरह पाला जरूर है लेकिन पिता की तरह खिलाया नहीं उन्होंने। जिसे भी देखती हूँ सोचती हूँ मेरे पापा ऐसे होते, मुझे गोद में लेकर खिलाते प्यार करते। लेकिन अब वो उम्र भी तो वापस नहीं आएगी। सावित्री उठो। उठो। क्या हुआ? इस पे खड़ी हो, बताता हूँ। आजा पीछे से पकड़ो। दिल में तेरी जात है, सांसों में तेरी खुशबू है, दिल मेरा नाम का दास पार्वती से शादी करता तो अच्छा होता ना? उनके लिए तो अच्छा ही होता, लेकिन फिर तुम्हें ये फिल्म नहीं मिलती ना। पार्वती की शादी हो गई तो क्या उसे छोड़ देगा? देवदास के प्यार की ताकत इतनी ही थी। शायद छोड़ना ही देवदास की ताकत है। मतलब? देवदास की पहले शादी हुई होती तो क्या पार्वती दूसरी बीवी बनकर साथ रहने को तैयार होती? हाँ क्यों नहीं होती, प्यार किया था ना। वो देवदास अगर जेमिनी गणेशन हो तो? मैं शादीशुदा हूँ सावित्री, मेरी दो बेटियाँ भी हैं। डॉक्टर बनना चाहता था पर मेडिकल सीट के लिए पैसे नहीं थे। मेरे गले में स्टेथोस्कोप के बदले मामा की बेटी अलमेलू के गले में मंगलसूत्र पहना दिया गया। मामा तो चल बसे, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले इस रामास्वामी गणेशन को किस्मत ने एक्टर जेमिनी गणेशन बना दिया। शादी के बाद मेरा पुष्पावली के साथ अफेयर था, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सावित्री वो प्यार नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम ही मेरा प्यार हो। शादीशुदा इंसान को प्यार हो जाए तो ये प्यार की परीक्षा है या शादी की? यही सच है सावित्री, मेरा अतीत सच है, मेरा प्यार भी सच है। मनिकम, अभी भी तुमको सीनियर बड़ी हीरोइन चाहिए क्या? मैं नहीं छोड़ूंगी। जीवित
लड़कों, ये क्या है सावित्री, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? छोड़िए मुझे। कसम नहीं खा लेते कि पीना नहीं छोड़ोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कसम देकर ये बची हुई शांति भी छीनना चाहती हो पारो? कट सावित्री, कट 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 कट। अरे कर क्या रही है सावित्री, क्या कर रही हो? उस फिल्म में ही काम करने से मना किया था और अब वहां सिर फोड़ कर आ गई। वैसे सच में तुमने सिर क्यों फोड़ा? नागेश्वर राव ने सच में पिया था क्या? नाटक था। अरे ऐसे क्या देख रही हो, नजरें झुकाओ। दोबारा अगर तुमने ऐसा काम किया ना तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दीजिए सर, ये तो गलत है ना। सीन दमदार बने, फिल्म अच्छी बने, इसलिए कुछ भी करवाएंगे क्या? सिर्फ नाटक है, किरदार में डूब जाना अच्छी बात थोड़ी है। पार्वती के किरदार को निभाए बिना जीने में रखा क्या है? 100 साल बाद भी लोग देवदास में इसी पार्वती को याद करें तो गलत है। एक्टिंग कर रहे हैं, इसे महान अभिनेत्री बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभिनेत्री बन जाए बस। क्यों सही कहा ना चौधरी साहब? सर उसने मेरी तारीफ की या मेरा मजाक उड़ाकर चला गया? अभिनय, हर जगह अभिनय, सब अभिनय है। डायलॉग जैसे लिखा है वैसा ही होना चाहिए। अच्छा डायलॉग है, इसे बोलोगी तो तुम्हारा नाम होगा। इसे पकड़ो, मैं आता हूँ। खींचो 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 ऊपर, हाँ खींचो। अरे कैसे हुआ ये? मैं ठीक हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, तीन गांठे बांधूंगा। मन से गांठ पड़े तो ही उसे बंधन माना जाता है। जब वो ही ना हो तो कोई कुछ भी कर ले, वो बस सौदा ही होता है। वो सौदा जिंदगी भर का होता है, बीच में छोड़ा नहीं जाता ना। अगर ऐसी बात है तो ख्यालों में भी दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम तो आ गई ना। घर में पत्नी के होते हुए मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? क्योंकि दिल में तुम ही हो अम्माड़ी। शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी और मैं प्यार में आगे भी नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। अगले जन्म में हम एक होंगे ये विश्वास दिलाओ तो मैं इसी वक्त खुशी से मर जाऊंगा। मैं मौत से नहीं डरता सावित्री, और अगर अगला जन्म नहीं हुआ तो जमीनी सावित्री की प्रेम कहानी भी देवदास पार्वती की तरह अधूरी रह जाएगी। एक ही जन्म हुआ तो हमें ऐसे ही रहना होगा। जिंदगी में आधे से ज्यादा वक्त कैमरा के सामने एक्टिंग तो कर ही रहे, जो थोड़ी बहुत बची है उसे तो जीने। जिंदगी में एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग जिंदगी नहीं बननी चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे, आप शादीशुदा हैं। शादी शादी, जब इंसान जंगल में रहता था तब क्या शादी होती थी? मन से अगर रिश्ता हो तो शादी की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या तुम मेरे बिना जी सकती हो? देखो सावित्री, मुझे सिर्फ अपने प्यार पे यकीन है, शादी पर नहीं। हमारे जैसा प्यार मिलता नहीं है सबको। निरसंकरा सावित्री,
मैं रामस्वामी गणेशन इस चामुंडेश्वरी माँ को साक्षी मानकर मन से वचन से कर्म से तुमसे शादी करता हूँ। फिल्मों की तरह इन्होंने कितनी आसानी से दूसरी शादी कर ली ना। यहाँ एक शादी नहीं हो पा रही है और वहाँ दूसरी बार। क्या कहा? मुझे ये नहीं पता था कि देवदास के रिलीज के पहले उनकी शादी हो गई थी। देवदास मनपोल मांगल्यम दोनों फिल्में उनकी शादी के बाद ही रिलीज हुई थी और उन दोनों को साथ ही में सक्सेस मिली थी। उसके बाद 3-4 साल तक कुछ हिट्स थी कुछ फ्लॉप्स। उस वक्त अंजलि देवी जी भानुमति जी बड़ी स्टार्स थी, सावित्री जी अपकमिंग थी, ओरिजिनली मिस अम्मा भानुमति जी थी। एक बार उनके और चक्रपाणि के बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने फिल्म की सारी रील्स जला दी। देवरानी का किरदार निभा रही सावित्री जी अचानक मिस अम्मा बन गई। तमिल मिस अम्मा में NTR का किरदार जैमिनी जी ने निभाया था ना। उस फिल्म में शादी होने की एक्टिंग करना और यहाँ ये देखो ना होने की एक्टिंग करना, अजीब दास्तान है ये। வாராயு வெண்ணிலாவே கேளாயு எங்கள் கதையே, வாராயு வெண்ணிலாவே கேளாயு எங்கள் கதையே, வாராயு வெண்ணிலாவே அகம்பாவம் கொண்ட சதியாள் அறிவால் உயர்ந்திடும் பதினான், அகம்பாவம் கொண்ட சதியாள் அறிவால் உயர்ந்திடும் பதினான், சதிபதி விரோத மிகவே சிதைந்தது இதன் தரும் வாழ்வே. ராவோயி சந்த மாமா மாவின் தகாத வினுமா, ராவோயி சந்த மாமா மாவின் தகாத வினுமா, ये किस लिए? पहली दिवाली। नमस्कार। नमस्कार जी, इतनी देर क्यों लगा दी? ऊपर बच्ची हाँ। आपका इंतजार कर रही है, जाइए। सर आप पटाखे क्यों नहीं जला रहे? पटाखे? हाँ तो जलाइए ना, सब जला रहे हैं। मुझे ऐसी आदत नहीं है, पटाखे जलाकर धुआं कर लो फिर अपनी तबीयत खराब। हेलो हाँ। जरा इधर आओ सर। वो मैं अंदर बस ऐसे ही जा रहा था। तन मत में मो तन दी मन मत मसले पड़ दो, मन मो मन दनु माटे अननी यदु तानन दो। रावो ये चंद मामा माविन तगाद विनुमा, रावो ये चंद मामा। शेखर बॉक्स ले जाकर कार में रख दो। जी मैडम। क्या ये सब जेमिनी की पहली पत्नी को पता नहीं चला? उन्हें पता था या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन सावित्री जी उनसे बहुत डरती थी। एक दिन स्टूडियो में उन्हें देखकर शूट से ही भाग गई। चुप हो जाओ बहन। बेचारी बेटी ने रुलाया है, काजल ना उतर जाए तब तक रोने दो, रोती रहो। तुम्हारा तमिल लव लेटर तेलुगु में, पढ़ो इसे। अम्माड़ी अब तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, हम दोनों रात को बीच पर घूमने चलेंगे, मैं नीचे आकर 2 बार कार का हॉर्न बजाऊंगा,
तुम्हारा प्रेमी गणेश। मैं वो पापा। मुझे पापा कहने का हक खो चुकी हो तुम। ये सब क्या किया तुमने? कह दे ये सब झूठ है। सच है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप लोगों को कैसे बताऊं। मुझे माफ कर देना। क्या किया तूने ये? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? बहन पापी नहीं थी, कितना बड़ा पाप है। अनजाने में हो गई गलती उससे। जानबूझकर किया। उनकी पत्नी और बच्चे हैं ये जानकर भी किया। प्यार करके किया। तुझे ना शर्म नहीं आई? तुझे सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हाथ से निकल चुकी है तुम्हारी बेटी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सिर तो मैंने चढ़ाया था ना, चप्पल भी मुझे ही पड़ने चाहिए। अभी आएगा ना, आने दो उसे। दो हॉर्न बजाएगा ना, परसों ही खरीदा है इसे, इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं सोचा था। पापा, जी, ये तो पापा, सुनिए, अब पड़ी रहो यहाँ अंदर। से मारने के बाद ये दरवाजा खुलेगा। शादी की है शादी, किसी ने भी अगर दरवाजा खोला ना तो तुम सबको गोली मार दूंगा। हटो। कौन है माँ? रेवती जाकर सो जाओ, जाओ। चाय। अब रोने से क्या फायदा? चाय पीकर कपड़े बदल लो। चुप हो जाओ, रोना बंद करो। इतने दिनों से सोच रहे थे कि कैसे बताएं, इतनी आसानी से हो गया सब कुछ। वो आपको मार डालेंगे, मौसा जी बहुत गुस्से में। उनकी प्यारी गुड़िया को अगर कोई कमीना अपने जाल में फंसाएगा तो उन्हें गुस्सा आएगा ही ना। सब ऐसा ही सोचते सावित्री, उनकी गलती नहीं है। तो अब क्या करें? प्यार किया है ना, छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। शादी की है हमने। रोज एक्टर बनने के लिए कितने लोग मद्रास आते हैं जानती हो? तुम बन गई, उसकी कीमत जान लो। शादी की बात पता चली तो कोई काम नहीं देगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा सावित्री।
शादी की है हमने। तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हारी मर्जी? इसे शादी करनी है ये बात मुझे बता दी होती तो महाराजा की तरह रिश्ता लेकर आता। ये कहां से मिल गया तुझे? चप्पल से मारूंगा। मेरे घर में बात करने के लिए तू कौन होता है? चौधरी एक मिनट। शादीशुदा इंसान के साथ इसने शादी की इस बात पर इसे थप्पड़ मारना चाहिए था और आप इसका साथ दे रहे हैं। अगर शादी किए बिना ही ये उसके साथ रहती तो तुम्हें अच्छा लगता। चौधरी मानने मनाने का वक्त बीत गया, आशीर्वाद देने का वक्त है। जब उसकी पहली बीवी मान गई तो तुम्हें क्या है? मुझे क्या है? जानते हैं इसे हीरोइन बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? खुद भूखे पेट रहकर जो कुछ भी कमाया था वो सब इसी पर तो खर्च किया। मेरी कमाई से मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर, गांव की वो जमीन, सब कुछ। जो भी कुछ कमाया है सब आप ही रख लीजिए, लेकिन हमें जीने दीजिए। तुम्हारे सपनों को तो मैं भी जी रहा था ना, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब क्या है? शर्म आनी चाहिए। दूसरे पेपर वालों ने मुझ पर जोक्स और कार्टून बनाने शुरू कर दिए हैं। लिखते हैं मैं ही शंकर जी हूँ। देखो दिखाई दिया? मैं सबसे मिला सर, एक्टर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स, उस नाम का कोई है ही नहीं सर। उन्होंने चिट्ठी में वो नाम लिखा था ना, मतलब जरूर शंकर जी नाम का कोई है। उस नाम के पीछे कोई कहानी है। वो कहानी क्या है मुझे जानना है। इसका पता लगाने वाले को इस पेपर का सब एडिटर बना दूंगा, तनख्वाह दूंगा 1000 रुपया। रानी फ्रंट पेज पर आर्टिकल छपवाऊंगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे, जाओ। फ्रंट पेज? ना ही आज तक शंकर जी शेखर को मिले, ना ही मुझे मिले। पता नहीं कहाँ होंगे। देखते हैं अब ये कहानी कहाँ तक जाएगी। सावित्री जी आपकी शादी को 3 साल हो गए, क्या ये सच है? आप अपनी पहली बीवी को तलाक दे देंगे क्या? सावित्री जी अब आप फिल्म नहीं करेंगे। बस नो क्वेश्चंस प्लीज। चलिए हो गया, जाइए जाइए। कुंभकोणम सांबर, ये तुम्हें दाल से भी अच्छी लगेगी। देखो नमक ठीक है ना? तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि हमने जो किया वो गलत है? अपनी माँ, मौसा जी, गुरु जी, सबको दुखी किया हमने। मैं ही पागल हूँ क्या? हाँ हो, हमारा प्यार देखकर कोई भी कहेगा कि हम दोनों के दोनों पागल हैं। कहने दो, नमक ठीक है। हमें दुनिया के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना। दुनिया? सावित्री गणेशन ने शादी कर ली तो क्या वो काम छोड़कर घर बैठ जाएगी? नॉनसेंस। जैसे हम शादी से पहले रहते थे अब भी वैसे ही रहेंगे। चलो शाम को बाहर चलते कहीं। बाहर जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? शादी से पहले तो पूरे शहर में घूमते थे, शादी के बाद छुपने का क्या मतलब है? कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने शादी की थी ना। शादी ही परेशानी बन जाए तो क्या फायदा? ऐसा है तो चलो। फिल्म बहुत अच्छी थी, सुजिन हुइट ने तो बहुत अच्छा अभिनय किया। तुम्हारी फिल्म देखकर वो भी यही सोचेंगी। हेलो कहाँ चले? पहली बार ऐसे पति पत्नी की तरह बाहर आए हैं, इतनी जल्दी घर नहीं जाएंगे हम। ये लीजिए हमारी तरफ से फ्रेंडशिप का तोहफा। अरे अब एक और तोहफा क्यों, भूख लगी है, खाना खाते। अपनी औरत को छोड़कर पराई औरत के साथ कैसे घूम रहा है? बना लिया है ना। सुनिए जेमिनी को देखिए उसके साथ कैसे घूम रहा है। आखिर क्या लाएगी तो उसकी दूसरी बीवी ही ना। अब मुझे भूख नहीं है, चलिए हम घर चलते हैं। अरे सुनिए ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम जेमिनी गणेशन है, पहचानते हैं ना? वहां देखिए, वहां जो सुंदर लड़की खड़ी है
वो मेरी बीवी है और आई एम श्योर आप सब उसे भी पहचानते हैं। नीचे आ जाइए ना। आप सावित्री को सिर्फ हीरोइन के रूप में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको दूसरी सावित्री से मिलवाना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपना दिल देकर उससे शादी की है। यह है मिसेस सावित्री गणेशन। जेमिनी को देखो, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिसेस सावित्री गणेशन। कुछ भी कहो लेकिन जेमिनी में चार्म तो है। अब समझ में आ गया कि सावित्री जी को उनसे प्यार क्यों हो गया था। सावित्री जी को ही नहीं, बहुत लोगों को हो गया। लेकिन वो भी तो सावित्री जी से प्यार करते थे, वरना ऐसे सबके सामने, हे भगवान।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है एंथनी। वहां जो लड़की खड़ी है ना, वो है मधुर वाणी जी, BA गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन आज मैं जस वाणी जी को देख रहा हूं ना, एक मिनट, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। अरे नीचे उतर। जो वाणी जी सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं, जानते हैं उनकी आंखों में मुझे क्या दिखाई देता है? सच्चाई। अरे क्या आदमी है, सच्चाई दिखाई देती है मुझे। बोला ना, अरे क्या कर रहा है, अरे खराब कर देगा। वाणी जी आज, वाणी जी, मैं कब से आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे, एंथनी जी चलिए नीचे आइए। जेमिनी सर, थैंक्स, बाय बाय। माँ, क्या यीशु प्रभु पर आपकी क्या राय है? उन पर मेरी क्या राय होगी, ये कैसा सवाल है पगली? मतलब दूसरे धर्म के बारे में तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी है ना? ब्रह्मा जी ने कहा था ईश्वर एक ही है, धर्म चाहे जो भी हो, अंत में जाना तो परमात्मा के पास ही है ना। अच्छा, तो फिर दूसरे धर्म के लोगों से शादी करे तो? दांत तोड़ दूंगी तेरे। तो ब्रह्मा जी? अरे वो सब बातें छोड़, इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, चल चल पहले भगवान के आगे माफी मांग, चल। हे राम, शादी के बाद सावित्री जी का स्नेह कार्य खत्म हो गया, क्या सबको ऐसा लगा था नानी? लगा तो था, पर असल कहानी तो वहीं से शुरू हुई। अरे गुरु जी, आइए आइए बैठिए। कैसी चल रही है गृहस्थी? अभी तो दो फिल्में शुरू हुई हैं, देखते हैं कैसे चलती है। ये दो फिल्में पूरी हो जाए तो अभिनय छोड़कर सब्जी वाले से रोज मोल भाव करते हुए, क्या बनाना है क्या करना है उनका इंतजार करते हुए, ये छोटी सी जिंदगी खुशी से बीत जाए उतना ही काफी है। प्रतिभा जब इतनी हो ना तो दुनिया में कोई सीमा नहीं होती। समझी? हम लोग एक फिल्म बनाने वाले हैं, KV रेड्डी जी का कहना है उस किरदार के लिए वो तुम्हें ही लेंगे। मैं नहीं कर सकती गुरु जी, मेरे लिए यही काफी है। जब तुमको फिल्म की जरूरत थी, फिल्मों ने तुम्हारी जरूरत पूरी की ना, अब फिल्म को तुम्हारी जरूरत है। जानना चाहते हो, रामाराव कृष्णा, नागेश्वराव अभिमन्यु, तुम शशि रेखा, और फिल्म का नाम है माया बाजार, सीन नंबर 19, टेक वन। हलीरे लड्डू लंदू भक्तेनी भोनी लिंदू, हलीरे लड्डू लंदू भक्तेनी भोनी लिंदू, बले जिलेबी मुंदू, ये लल्ला नागे बिंदु, दिमाग भोजनंबु इन पैना वंट कंबु, याला भारी बिंदु, ओ हो हो नागे बिंदु, कट। क्यों पिंगले साहब, 100 दिन तक चले गाना ऐसा लिखने को बोला था, आपने तो 100 साल तक चलने वाला लिख दिया। मेरी लिखाई थी तो अच्छा, आपका निर्देशन है जनाब। आपकी लिखाई उनके निर्देशन के साथ साथ मेरा अभिनय भी तो अच्छा होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा दादा। बहुत हंस रही हो तुम, अभी तुम माया शशि रेखा हो, रंगाराव की नकल कैसे करोगी देखता हूँ। संदेह नहीं है माता, वो वहाँ भी है यहाँ भी है, चिद्विलास। दुशत चतुशतया, दुशत चतुशतया, दुशत चतुशतया। ए लड़की, इस रंगाराव से मजाक है, जरा संभल कर। काला कुमारिनंता काला सुकुमारिनंता, काला कुमारिनंता काला सुकुमारिनंता, पेल कुलकु नन्नु चूपी मुक्की मुठा पोवुनंता, अय्य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 य्
मैया बोलन का काम काम काम। तोम 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 तता धीम 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 तता तोम तता धीम ता अर्थम ताम इर्थम ताम 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 तानी ता पम्मा करते ता ताली कत्ता बतुना ता ताली कत्ता ताली कत्ता बतुना ता तानी थी कुना कंता मेली मुस्को तानु देसी बागल हंगा लाडू नंता। ताज एक्सेलेंट एक्सेलेंट सावित्री, बिल्कुल रंगाराव की तरह एक्ट किया। दादा दादा दादा, आप ही बताइए कि मैंने कैसा किया। सोचा था तुम मेरे पीछे से मजाक उड़ा रही हो, लेकिन सामने रहकर माया बाजार को ही चला रही हो। घर जाकर नजर उतरवा लेना बेटी। सावित्री हा? चलो कहाँ? चलो ना अब। अरे कहाँ बताओ तो। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। ये सब लोग तुम्हें चाहते हैं। गृह प्रवेश है, पहली पत्रिका आपको ही देने आई हूँ। ये जाकर उसी को दे दे। चांदिका है बेटा। इतना बड़ा घर बनाने के लिए कितना पैसा। अभिनेत्री ओ अभिनेत्री, अभिनय नेत्री, नट गायत्री, मन भावन सबसे पावन, जनता की प्यारी अभिनेत्री, सबकी चाहती दुर्गा रूपम, कला में ना है तू किसी से कम, बढ़ो तुम आगे। एक टेक मेरे लिए। है नटराज तू नारी रूपम, कला के लिए अर्पित है तू, नई ऊंचाई जाए तुझ। सर आज से पहले तो आपने कभी सीन के डायलॉग नहीं मांगे थे। रवि आज सावित्री के साथ सीन है, और डायलॉग पेपर मुझे दो। ओके। रोज रोज आ रहे हो, बात क्या है? आपको देखने के लिए ही इतनी भीड़ में मैं 2 महीनों से धक्के खा रहा हूँ। देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से। नहीं जी, गांव में बोलकर आया था कि आपके पास ही कोई छोटी मोटी नौकरी करूँगा। क्यों बेटा, दाल है कि पूरा पानी है? खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। चलो दादा। अच्छा, लेडीज रेस के लिए 200 BHP कार जरूरी है क्या? 200 नहीं, 245 BHP, V8 इंजन, मद्रास की फर्स्ट कार। पर इसकी फुल पोटेंशियल देखने के लिए मेंस रेस में आनी चाहिए ना। क्यों नहीं, अभी देख लेते। यही कार लेकर मेरे साथ रेस करो। क्या आपके साथ? ये फिल्म नहीं है सावित्री, छोड़ दीजिए, नाक कट जाएगी। अरे नहीं कटेगी, मैं इतना भी फास्ट नहीं चलाऊंगी। मैंने पर्दे पर जिस विजय प्रोडक्शन से शुरुआत की, हमने जिस माता को साक्षी मानकर शादी की, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है विजय चामुंडेश्वरी। लड़ाई कर कर के सभी के मन में रहती, प्यार क्या है जाना, रिश्तों को पहचाना, तू औरों के खुशी पे लुटा दे हर खजाना, लोक हित में ही है कर्म तेरा, पावन ये रास्ता है, इसलिए तुझे बिन मांगे मिल गया धन वैभव ये सारा। पर
पब्लिक एनआर एनटीआर शिवाजी गणेशन की फिल्मों को देखने का इंतजार करती है और ये लोग इंतजार करते हैं सावित्री की डेट्स का। सभी वर्कर्स को 2 महीने का बोनस दे रही हूँ। सावित्री जी ने हमारे फिल्म क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। सावित्री ये क्या कर रही हो तुम? सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। एक मिनट प्रोड्यूसर साहब, ये आम बहुत अच्छा है। उतरो बेटी, कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम हीरोइन हो। मत करे, ये लीजिए। बड़े हीरोज के बदले में आपको ही पुरस्कार दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अब मैं क्या बोल सकती हूँ? तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, इन दोनों में आपको क्या पसंद है? इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? एक मेरा मायका है तो दूसरा मेरा ससुराल। सुना है आप खाना अच्छा बनाती हैं? हाँ, बहुत खाती भी हूँ। जो देखा ख्वाब तूने, पूरा हुआ वो सपना। बहारों की तरह तू सबका है अपना। ये भाषा की दीवारें तुझे ना रोक पाए। कला की बातें जब हो तेरा ही नाम आए। मुझे पहचाना? तुम्हारे बनाए स्कूल में ही मेरा पोता पढ़ने जाता है। मैं भगवान की तेलुगु भाषा की है शान, तू इस देश की पहचान है तू। बाएं हाथ के लोगों का दिल अच्छा होता है, क्योंकि दिल भी तो बाईं तरफ ही होता है ना। हाँ हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी भी उनसे यही बात हुई थी। तो, हीरो साहब, ये मेरी बचपन की दोस्त सुशीला। हेलो, हाउ आर यू? हाथ देना। अरे सुना था रानियों के महल ही इतने बड़े हुआ करते थे, पर अभिनेत्रियों के आज ही देखे। पसंद आया विजी? सरोज बुआ, आप लोग यहाँ कैसे? दीदी, मेरी शादी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई, बैठना। तुम्हें और दामाद जी को शादी में जरूर आना। जरूर आएंगे। सत्या, वो नेकलेस देना। ज्योति, इधर। ये तो बहुत महंगा होगा दीदी। महंगे और सस्ते की तुझे फिगर क्यों है? देख तेरे गले में कितना सुंदर लग रहा है। जब देने लायक हो जाओ लौटा देना। शूटिंग कब से शुरू करना चाहते हैं आप? अगर टाइम देंगे तो 2 महीने में शुरू कर देंगे। ठीक है, डेट्स लॉक कर लो। फिल्म भारतवर्ष के लिए हम दोनों 2 लाख रुपए लेंगे। वो क्या है कि इस फिल्म में शिवाजी को हीरो लेना चाहते हैं। हम वो सावित्री जी को ही लेना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, इतनी फिल्म हमने साथ में कर ली है कि मैं खुद बोर हो चुका हूँ। सावित्री, पता है प्रोड्यूसर साहब ने कितनी अच्छी खबर सुनाई है? मुझे तुमसे थोड़ा ब्रेक मिल गया है। चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। कन्नवारिंत कष्टमुल नीड करगी पोय
ये तुम्हारे करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है अम्माड़ी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन ये फिल्म नहीं चलेगी तेलुगु भाषा में, ये फिल्म ऑडियंस के पल्ले नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आर्ट फिल्म की तरह बनाई है। सब फिल्में ऑडियंस के लिए नहीं, कुछ फिल्में अपने अंदर के आर्टिस्ट के लिए करनी चाहिए, ऐसा नागेश्वर राव जी ने एक बार कहा था। फिल्म चले या ना चले, पर इस फिल्म से मैं बहुत खुश हूँ। इनको भी ये फिल्म बहुत पसंद आई, इसलिए इसके तमिल राइट्स ले रही हूँ। सावित्री जी, सुना है आपने मूक मंसूर के भी तमिल राइट्स खरीदे हैं। उस फिल्म को हम दो भाषाओं में नहीं बना पाए, लेकिन एक दिन उसे तमिल ऑडियंस के सामने लाने की मेरी दिली इच्छा है। मनुसुलु खरीद लिया, बताया क्यों नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं। पर आपको तो वो फिल्म बहुत पसंद आई थी ना। वो तब की बात है, अब उस कहानी को कौन देखेगा। वैसे भी कुछ क्लासिक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। देखो, राइट्स के पैसे गए तो गए, लेकिन वादा करो तुम वो फिल्म नहीं बनाओगी। आप ऐसे क्यों कह। वादा करो नहीं बनाओगी। उन्हें बेटा देने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी तुमने, देखो अब दोनों कितने खुश हैं। सोचा था उसकी वजह से पास आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो और दूर होते जा रहे हैं। आज का पेपर कहाँ है? नहीं आया साहब। अम्माड़ी कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। मंदिर तो फूल लेकर जाते ना, पेपर क्यों ले जा रही हो? वो ला पेपर दे। पेपर छुपा दोगी तो क्या मेरे बारे में जो लिखा है वो बदल जाएगा? पेपर वाले जो भी मर्जी में आए लिखते रहते हैं। सच ही तो लिखा है, तुम्हारी फिल्में चल रही है, मेरी फिल्में पिट रही है। मैं चाह रहा था कि तुम सबसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझसे भी आगे निकल जाओ ये नहीं चाहता। इन सबका दिमाग खराब हो गया है, अभी अखबार के दफ्तर में फोन कर। रहने दो। कोई जरूरत नहीं है माड़ी, जाओ मंदिर जाओ। ये सब क्या है? Nothing. बच्चों, सत्या तुम लोगों को ले जाकर घर छोड़ देगा, चलो जाओ। लेकिन पापा? पापा को कल सुबह घर भेज दूंगी, अभी तुम लोग जाओ। भेज दोगी? तुम कौन हो भेजने वाली? मैं क्या कोई चीज हूँ? I am my own boss. लो जाओ खेलो। क्लब में कोई इस तरह से बेटियों को लाकर शराब पीता है क्या? तो क्या दोनों बीवियों को बिठाकर ड्रिंक करूं? रिपीट। जानते हैं घर पे दीदी कितनी परेशान है, रोए जा रही हैं। औरत के आंसू तो सबको दिखते हैं, लेकिन मर्द के आंसू सिर्फ दारू की बोतल को ही दिखते हैं। मेरी वजह से पी रहे हैं ना आप? मेरी वजह से? मतलब गिरने में भी मुझे क्रेडिट नहीं दोगी? मेरी ही वजह से? मेरा ये प्यार, मेरी शादी, मेरी बोतल, मेरा ग्लास। क्या हुआ, दो फिल्में फ्लॉप क्या हो गई? भूल गए कि आप कितने बड़े स्टार हैं? आपको मालूम है कितने फैंस हैं आपके? एक्सक्यूज मी, आप सावित्री जी हैं ना? हाँ जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऑटोग्राफ मिलेगा? एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ पेन? Thank you. Please. Thank you, Savitriji. I'm sorry, तुम्हारा पेन ले गई। तो मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ। नहीं,
कभी नहीं, दोबारा कभी ऐसा मत कहना। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार जेमिनी स्टूडियो आई थी? आपने कहा था बड़ी स्टार बनूंगी, याद है मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अम्माड़ी, लेकिन शादी करना पसंद नहीं है। देखो, जिसे शादी करना पसंद नहीं था उसने दो दो शादियां कर ली। अब बस कीजिए, दारू पीकर ही आपको ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अब चलिए। नमस्कार दीदी, आपका आंध्रकला परिषद की तरफ से स्वागत है। हम तेलुगु लोगों की तरफ से आपका स्वागत है जेमिनी जी। इसके बाद क्या कार्यक्रम है? गजारोहण। उस हाथी पर आपको बिठाकर घुमाएंगे और फिर आपका सत्कार करने का निर्णय लिया गया है। इसका नाम क्या है? गजी लक्ष्मी मैडम। इसके ऊपर किसी बस या कार में नहीं जा सकते क्या? प्लीज कुछ और देखिए, हम ऐसे हाथी पर बैठ के नहीं घूम सकते। संभाल के, संभाल के। जाइए, हाथ दीजिए, यहाँ पैर रखकर ऊपर आ जाइए। लगता है डर गए हैं। बहुत अच्छी तैयारी की है ना? लगता है शोहरत तुम्हारे सिर चढ़ गई है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? कुछ मत कहो, मुंह बंद रखो अपना। इससे तो पैदल ही चले जाते। सावित्री, सावित्री आ जाइए। हटो, सुनिए, मैं सावित्री के साथ आया हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग कला की रानी, सॉरी कला की महारानी और आज की महानायिका। आप कहाँ चले गए थे? सत्कार तो दोनों का होना था ना? रुको, नहीं नहीं, इतनी महान अभिनेत्री के साथ मुझ जैसे साधारण अभिनेता का सम्मान? नो 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 नो। कमेटी के लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अगर आप कहें तो। ओ, अच्छा, तुमसे परमिशन ले ली ना? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने उन्हें डांटा, इसीलिए आ रहे हैं वो लोग, वरना तो वो लोग आते भी नहीं। ए, तुम रो क्यों रही हो अम्माड़ी? रोना तो मुझे चाहिए ना। तुम्हारा इतना बड़ा सम्मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? दुख तो बांटने से ही कम होता है ना। लो, बांट लो। ओ, महानायिका हो ना, तुम्हारे साथ पीने की मेरी हैसियत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है पता नहीं, पत्नी थोड़ी सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल हो गई तो प्रॉब्लम। लिमिट में रखने वाले आप कौन होते हो? मैं? वाणी जी। सावित्री जी को पद्मश्री अवार्ड मिला था, लेकिन जेमिनी बुरा मान जाएंगे ये सोचकर नहीं लिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, धीरे धीरे फिल्में कम कर दी। जानते हो 1966 में पहली बार आर्टिकल में आया कि उनका वजन बढ़ गया है। सावित्री जी मोटी हो गई हैं, फिर भी मुख्य अभिनय की वजह से ही उनकी फिल्म चल रही है, ऐसा लिखा है। सत्या, मैं ज्यादा मोटी हो गई हूँ क्या? अब मोटी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोग तो फिल्म देखेंगे ही।
जब बदन में बदलाव आया है तो जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही। करवट क्या लेगी जिंदगी। इसका मतलब क्या है? मुझे भी पता नहीं, मुंह में आ गया, बोल दिया। ये ले लड्डू खा। दिस इज 1969 ना, अभी भी NTR सिनेमा, ANR सिनेमा। रिसेंटली एक नया लड़का आया है, क्या नाम है उसका? कृष्णा। यस यस कृष्णा। व्हाट इज दिस मेल डोमिनेशन? आप लोग क्यों आई हैं बताएंगी? वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ओनली लेडी टेक्नीशियंस के साथ हम लोग एक फिल्म बनाना चाहते हैं। पिक्चर आप ही डायरेक्ट करेंगी एंड यू विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप। डायरेक्शन मैं कैसे करूंगी? अगर तुम डायरेक्शन करोगी तो ही बनाएंगे, वरना हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। आप इस तरह से जल्दबाजी करेंगे तो मैं नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। सुनिए सावित्री जी, इन्होंने हमारी फिल्म के लिए फाइनेंस देने की बात की थी। अब ये कह रहे हैं कि हम औरतें हैं ना, अगर कोई गारंटी लेगा तभी ये पैसे देंगे। लेडी फाइनेंसर के पास चले जाइए, शायद बिना किसी गारंटी के पैसे दे दे। इतने कम समय में हमें कौन पैसे देगा? पैसे नहीं मिले तो फिल्म रोकनी पड़ेगी। मैं दे देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही है गारंटी पेपर्स। शैलजा जी, पहले एक वाइड लेते हैं, उसके बाद क्लोज कट करेंगे। ब्लॉक दिखाना। वहाँ फिक्स कर दो। सावित्री जी से मिलना है। नहीं मिल सकती हाँ। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? प्रसाद तुम हटो। पैसे लेते वक्त सब ठीक लगता है, अब मांगो तो झगड़ा करने लगते हैं। क्यों, पहचाना नहीं? प्रोड्यूसर के साथ आए थे, आपने गारंटी पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे, आपका चेहरा देखकर कुछ गिरवी रखे बिना कर्जा दिया था, लेकिन अब तक दिए हुए पैसों में एक पैसा भी वापस नहीं किया। आपके कितने पैसे बनते? ब्याज मिलाकर 360,000। सोचा था आपसे बोलेंगे तो आप उनसे पैसे दिलवा देंगी, लेकिन आप खुद पैसे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, फिल्म तो हमारी ही है ना, पूरे परिवार के साथ फिल्म देखिएगा। आइए, थैंक यू। नमस्ते, अंदर जाइए। रानी तुम अंदर लोगों का ध्यान रखो। नमस्ते बेटी। नमस्ते। क्यों बेटी, जेमनी नहीं आए? अपनी बीवी की फिल्म के लिए नहीं आए, ये क्या बात? ऐसी बात नहीं, वो आउटडोर शूट पर गए हैं। आउटडोर शूटिंग के लिए? कब गए? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? मैंने तो सुबह स्टूडियो में देखा था उन्हें। ओह, इसके रिलीज के चक्कर में बात ही नहीं हो पाई मेरी उनसे। ठीक है बेटी, मैं फिल्म देख करके आता हूँ। सावित्री कहाँ जा रही हो? फिल्म तो शुरू हो गई। आप देखिए, मैं अभी आती हूँ। सुनिए सुनिए, सावित्री तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तो आउटडोर शूट पे थे ना? बस अभी आया, प्रीमियर पे आने ही वाला था मैं। सावित्री सावित्री रुको, मेरी बात सुनो सावित्री।
सावित्री मेरी बात सुनो। बोलो बोलो क्या बोलोगे? सब हमें ही देख रहे हैं। हम फिल्म वाले हैं ना, तो देखेंगे ही। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, वो मेरी कमजोरी थी। मैं सिर्फ तुम्हीं से प्यार करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? किस्मत फूटी थी, मैंने किसी की बात नहीं मानी। अम्माड़ी मुझे माफ कर दो, मेरे लिए तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवाय किसी और से प्यार नहीं किया। सावित्री प्यार की बात तुम मत करो, जो अपनी पहली बीवी से वफा नहीं कर सका वो दूसरी से करेगा, ऐसा सोचना मेरी गलती थी। मेरे बारे में जानकर ही मुझसे शादी की थी ना, आलू मेलू पुष्पा वाली, अब क्या बदल गया बोलो। तब मैं सावित्री थी, अब मैं सावित्री गणेशन हूं। Get out. Madam, madam, madam. पास नहीं सोएगा? मैं सोऊंगा नानी के साथ। क्या हुआ? क्यों आधी रात को इसे परेशान कर रही? मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ क्या करना है। आजा बेटा। छोड़ो, छोड़ो माँ। आजा। मैं नहीं आऊंगा। मैं नानी के पास ही सोऊंगा। नखरी क्यों कर रहा है? तो पागल हो गई है क्या? जब वो तेरे पास जाने से मना कर रहा है तो जबरदस्ती मत करना। मेरे बच्चों को भी मेरी जरूरत नहीं है माँ। चिंतलपुरी से किसी ने चिट्ठी लिखी है, उन्हें पापा की फोटो मिली है। पापा कैसे थे, कैसे दिखते थे, आज देखूंगी। सावित्री जी आ गई। नमस्ते। नमस्ते बेटी। नमस्कार। बैठो। ये देखो बेटी, बाएं से तीसरे वाले ही तुम्हारे पिता हैं। माँ देखो तो, कौन है ये? कौन है? यही तो तुम्हारे पति हैं। इस फोटो में जो आदमी है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, कहीं तो गलती हुई है। माँ जो कुछ भी करती सबसे अलग हटकर करती, उनका पीना भी ऐसा ही था।
माँ को हारने की आदत नहीं है, लेकिन पापा से भी जीतने की इच्छा खत्म हो गई। मैम साहब, वो सब सत्या देख लेगा, समझे ना। वजन बढ़ने की वजह से फिल्मों में भी काम मिलना कम हो गया। उन्होंने मूक मंसूर को तमिल में बनाना शुरू किया। सच कहूँ तो वो फिल्म पापा पर गुस्सा होने की वजह से ही बनाई गई थी। मैम साहब, आपसे कोई मिलने आया है? नहीं, अभी नहीं। अम्माड़ी, पलट कर भी नहीं देखोगी? अब क्या देखना है? तुमने वादा किया था ये फिल्म नहीं बनाओगी, याद है तुम्हें? आपने भी तो वादा किया था, वो याद नहीं? तुमने जो मैनेजर्स रखे हैं वो सब चोर हैं। पूरी इंडस्ट्री यही बात कर रही है कि वो तुम्हें कितना लूट रहे हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब अकेले कैसे करोगी? तुम बोलो अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए। बस, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। इतनी जिद करना बेकार है सावित्री, सब कुछ अपने अंदर ही छुपा लोगी क्या? दुख बांटने से कम होता है। आओ बांट लो। अम्माड़ी, रुको, चले जाओ यहां से, प्लीज प्लीज प्लीज। वो पापा के प्यार को भुला नहीं पाई और उसी प्यार को उन्होंने अपने लिए सजा बना लिया। रिलीज के वक्त शिवाजी गणेशन की दो फिल्में फ्लॉप हो गई, इसी वजह से उस फिल्म को किसी ने नहीं खरीदा। मेरे पहचान वाले के पास वियतनाम वीडू की तमिल फिल्म की राइट्स हैं। ये फिल्म आप तेलुगु में करेंगे तो बहुत हिट होगी। दोनों फिल्म अगर एक साथ रिलीज कर देंगे, एक नहीं तो दूसरी हिट हो ही जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कर लो। मेम साहब, दस्तखत कीजिए। कितने पैसे? मैं पूछ के पैसा लिख दूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से, किनारे हो जाओ। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, नोटिस भेजा था, उसका कोई जवाब नहीं आया। इन बातों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, अभी अपने मैनेजर को फोन नहीं कर सकती, हमारे पास वारंट है। सर्च, तुम उस तरफ जाओ। इन सब के बारे में मेरी बेटी कुछ नहीं जानती, घर का सारा हिसाब किताब उसके पति ही देखते थे। तो उनको यहाँ बुलाइए। बेटी, एक बार अपने पति को फोन कर, हो सकता है कि वो ही कोई हल निकाल ले। वो कुछ नहीं करेंगे। माँ, ये सब कहाँ लेकर जा रहे हैं? माँ, चलो ये सब लेकर जाओ। जी, आउटस्टैंडिंग टैक्स पर 50% इंटरेस्ट ऐड होगा। आपके सारे पेपर्स प्रॉपरली चेक करने के बाद साइन कहाँ करना है? एक मिनट, यहाँ साइन कीजिए। आप अगर पूरी जायदाद जब्त कर लेंगे तो हम आपको पैसे कहाँ से लाके देंगे? तीन महीने का टाइम है आपके पास। मैडम, मेरे घर में सब आपके ही फैन हैं। मेरी बेटी के लिए एक ऑटोग्राफ दीजिएगा। थैंक यू मैडम। बाय वाणी जी। हाँ, वो कल शोले की दो टिकट्स ली हैं, आप चलेंगी? एंथनी जी, अभी हमारा काम बाकी है। वाणी जी, मना मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है। पापा, लड़की होने के बावजूद तुम्हें नौकरी करने दी, गलती मेरी है। उसका और इसका क्या संबंध है? कुछ मत कहो। एक अच्छी कहानी कह रही थी तो मैंने सच मान लिया, सोचा नहीं था ऐसी कहानी चलाओगी। अब बस कर मेरी माँ, बस कर। मदुरई का रिश्ता पक्का कर रहा हूँ, शादी करके चली जाओ, हटो। क्या हुआ बेटी? भैया, मैं अपनी बेटी आपके हवाले कर रहा हूँ, ख्याल रखो। सब मीनाक्षी सुधारेश्वर की दया है। वाणी, वो एंथनी जी ने तुम्हें ये इनविटेशन देने को कहा, एंगेजमेंट है। एक मिनट, ऐसे कब तक चश्मा उतारेंगी?
सच तो यही है ना, और सच से बड़ी कोई सुंदरता नहीं। दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। सत्या कहाँ है? पता नहीं मैडम, थोड़ा डराते हैं, देखते कैसे पैसे नहीं देगी। हमारे पैसे हमें चाहिए। पैसे कैसे? हमें हमारे पैसे चाहिए। बार-बार मांगना पड़ेगा। दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। अभी देने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है। दो दिन का वक्त मिल जाता तो। इन दो दिनों में अगर आप कहीं भाग गई तो किसी भी हाल में चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए। मैं इतनी भी अच्छी अभिनेत्री नहीं हूँ। सामने कैमरा ना हो तो एक्ट नहीं कर सकती मैं। ब्याज के साथ लौटा दूंगी। शैलजा, गांव में तुम्हारे नाम पर 100 एकड़ जमीन खरीदी थी ना, मुझे पैसों की जरूरत है। उसे बेचकर शादी के वक्त पैसों की जरूरत ही बेच दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है। पुरुषोत्तम भैया, बेजवाड़ा में आपके नाम पर घर खरीदा था ना, उस घर को बेचना चाहती हूँ। हमें विजय मिल्स बेचना ही पड़ेगा। जितने में भी बिके बेचकर पैसा लाकर दे दीजिए। वो तो आप बेटी की शादी के लिए रखना चाहती थी, उस चीरा गांव के स्कूल ट्रस्ट के नाम जो 20 लाख है उससे। वो नहीं, वो ट्रस्ट का पैसा है, मतलब भरोसा। हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मिल्स बेच दीजिए। जी मैडम। क्या हुआ माँ, जायदाद चली गई इसलिए दुखी हो? इतने दिनों से तुम अपनी जिंदगी को खराब करती रही और मैं अपनी आंखों से देखती रही, लेकिन अब अपने बच्चों को, उनके भविष्य को खराब करोगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पति के पास भेजना। चुप रहो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब सलाह की जरूरत नहीं। मेरी बात कर रही हूँ माँ। एक तो घर में लाइट नहीं है और नौकर भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कोई नहीं दिख रहा। बहुत पी चुकी, चलो अब खाना खाओ। विजी, ग्लास दो। और कितना पियोगी माँ? नानी के जाने के बाद कभी हमारे बारे में सोचा है तुमने? पी पी के मर जाओगी। विजी, कहा ना ग्लास दो। और मारो, मार डालो मुझे। विजी, विजी, ये क्या कर रही हो तुम? बस करो। कर दो। माफी मैं मांगती हूँ, जो मुझे करना चाहिए था तुमने कर दिया। नहीं माँ, गलती मेरी ही थी, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये किस लिए? आपको शुगर है,
मैं इंसुलिन दे रही हूँ। मुझे शुगर है? इसके साथ दारू और पियेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, संभल कर रहना होगा। और आपको वजन भी कम करना पड़ेगा। बैठिए ना पाप मौसा जी। कोई भी पूछे तो कहना मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा कहो कि ना, तभी बस्ती के लफंगों को डर रहेगा। अगर पता होता कि हॉस्पिटल में ही मिलने आएंगे तो पहले ही भर्ती हो जाती ना पापा। शांत रहो बेटा। मैं बिल सेटल करके आती हूँ। विजया की शादी करानी है पापा। आज पता चला है कि मुझे शुगर है, कल को पता नहीं क्या होगा। अपने आप को बदलना है पापा, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है। बेटा वाणी, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? आप यहाँ? एक महीने पहले आपकी भेजी हुई चिट्ठी मिली, आप उन पर कहानी लिख रही हैं, पढ़ने का मन कर रहा है। मैंने वो नौकरी छोड़ दी, वैसे कहानी लिखकर क्या फायदा? ऐसा क्यों किया आपने? उनकी कहानी सुनकर भगवान पर गुस्सा आता है, विश्वास उठ गया है मेरा। इतनी अच्छे इंसान के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को तो छोड़ दीजिए, इंसान ने क्यों ऐसा किया? मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, आप कहाँ थी? सॉरी। बचपन से ही सावित्री को किसी की मदद लेने की आदत नहीं थी। इनकम टैक्स वालों ने सारी जायदाद जब्त कर ली, इसीलिए घर बेचकर सबका पैसा लौटाना पड़ा। दोबारा फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी करने शुरू कर दिए। उन्हें डायबिटीज थी, दारू की आदत से वो अकेली ही लड़ती रही। उनका घटता वजन देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिक्शा खाली है क्या? सावित्री जी आप? हाँ मैं, विजया स्टूडियोस चलेंगे। शान से कार में जाने वाली आप इस तरह से रिक्शा में? रिक्शा है तो क्या हुआ, अच्छी ठंडी हवा लगती है और फिर पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ता। ये सब सुख कार में कहाँ मिलता है? वो पीने की आदत अब नहीं, छोड़ दी। लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है सुशी, जिसे हम आदत लत समझते हैं, लेकिन वो एक बीमारी है। कैंसर की तरह उसका भी इलाज होता है विदेशों में। मैंने कहीं पढ़ा था डी एडिक्शन सेंटर के बारे में, यहीं इसी नदी के किनारे एक डी एडिक्शन सेंटर खोलना चाहती हूँ, यही मेरी दिली इच्छा है। सुनो बेटी। हाँ जी चाचा जी। खाना खा लिया? भूख नहीं लगी है। क्यों रे, इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया ये भी नहीं चिंता है तुम्हें? वो क्या है? अरे नहीं, इनकी गलती नहीं है चाचा जी। जानता मुझे ही। ए, हमारा टिफिन लाओ चलो। इन्होंने अपने हाथों से कितने लोगों को खाना खिलाया है, ये कलयुग है। खाना देने वाले हाथों से अंगूठी छीनने वाला जमाना है ये। जाने दीजिए चाचा जी, हमारी अंगूठी उनके काम आ रही है, अच्छी बात है ना।
हबीबुल्ला रोड ही ना? नहीं भैया, आजकल अन्ना नगर रह रही हूँ। अच्छा जी, मेरी बिटिया आपको बहुत पसंद करती है, आपकी तरह ही बड़ी बड़ी आँखें। अच्छा, क्या करती है वो? फिफ्थ क्लास अभी पास किया है उसने, हाल ही में एक रिश्ता आया है उसके लिए। खुशी की बात है, लेकिन शायद वक्त पर पैसे नहीं मिल पाएंगे, देखते हैं क्या होगा आगे। चलता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ। मेरा एक काम करेंगे, ये साड़ी पीछे मारवाड़ी की दुकान पर बेच दीजिए और पैसे ले आइए। ये सब किस लिए? कुछ नहीं, आप लाकर दे दीजिए। भैया जी, ये लीजिए। इतना सब? जानकार लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं और आप? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? ये आपकी बिटिया के लिए है, मना मत कीजिए। अच्छा, तुम्हें ये कहानी लिखनी ही होगी, उनकी कहानी में आंसू हैं, दुख है, लेकिन उन सब से लड़ने की हिम्मत भी है। आज का कार्यक्रम प्रमुख सिने अभिनेत्री सावित्री जी को समर्पित है। मैंने अपने प्यार के लिए सबको छोड़ दिया, प्यार के लिए जिससे प्यार किया उसे भी छोड़ दिया। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे में प्यार का एक पल भी मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। मुझे तो पूरे 20 साल मिले, प्यार सबको नहीं मिलता, लेकिन अगर मिले तो उसे जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। आ बेटी, ये देखो तुम्हारे ससुर जी शादी का कार्ड लेके आए हैं। मैं एंथनी जी से शादी करूंगी पापा। चुप कर, ये क्या बोल रही है, इसे होश नहीं है। मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ पापा। उनसे शादी करना सही या गलत पता नहीं पापा, लेकिन नहीं करके जिंदगी भर पछताने से तो अच्छा है ना पापा, इसीलिए मैं उनसे ही शादी करूंगी। बाड़ी, सॉरी पापा, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिए। वाणी बेटा, वाणी बेटा, वाणी बेटा, बेटा वाणी, एक किक पापा। विवाह निश्चित हो चुका है, वधु है मिस दिव्या, वर है। रुक जाइए। वाणी जी, आप यहाँ कैसे? इधर आइए प्लीज। एंथनी, क्या है ये सब, कौन है ये लड़की? क्या कर रहे हो? पेरेंट्स की चिंता मत करो, मैं अभी अपने पापा से कहकर आई हूँ, एक केक में लूना को स्टार्ट करके आई हूँ तुम्हारे पास, अब घर से भी निकाल दे तो कोई परवाह नहीं। ओ गॉड, आप इनके गुस्से को कम कीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए इन्हें। फादर जरा दो मिनट प्लीज। वाणी जी, हम बाद में भी बात कर सकते ना, आप ऐसे सडनली। बाद में कब बात करेंगे? एंथनी जी, जिंदगी बहुत छोटी है, ये कुछ पल हमें हमारी तरीके से जीने चाहिए, अच्छा बुरा जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। देखिए आप बहुत सुंदर हैं, दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा आपको। वाणी जी आप... एक मिनट मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैं हकलाकर बोलती हूँ, डॉक्टर ने कहा है इसे कम करने के लिए अंदर से बहुत हिम्मत आनी चाहिए, अभी इतनी देर से बात कर रही हूँ, रुकी क्या, देखा ना नहीं हकलाई, जानते हो क्यों? क्योंकि यह है मेरे साथ, यही मेरी हिम्मत है, मुझे मेरी हिम्मत लौटा दीजिए प्लीज।
वाणी जी, थैंक यू। ये एंगेजमेंट मेरी नहीं है, मेरी बहन की है। दिव्या, ये मधुर वाणी है, BA गोल्ड मेडलिस्ट, और ये है अजय, इसके फियांसे। कंग्रेचुलेशंस वाणी जी। वाणी जी, आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकता हूँ? पूछे ना एंथनी जी। बिना चश्मे के आप लूना कैसे चला कर आ गई? कितनों को घायल किया है आपने? मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है, लेकिन आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर बाकी रह गया है। May 11th, जब आप बैंगलोर शूट पर जा रही थी। अम्मा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। अम्मा प्लीज। अम्मा रुको बेटा, 2 मिनट रुको। अम्मा मुझे कुत्ते वाला खिलौना चाहिए। पहले अम्मा कुत्ते की ड्राइंग बनाओ, फिर खरीद दूंगी। ठीक है। हेलो, सावित्री जी बोल रही हैं? हाँ हाँ, सावित्री बोल रही हूँ, आप कौन? आपको नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है। इस महीने की 24 तारीख तक आपको 2 लाख की पेनल्टी भरनी होगी। अब और क्या भरना है, सब कुछ तो लेकर चले गए, मेरी सारी जायदाद सील कर दी, घर भी बेच दिया, अब जीने भी नहीं देंगे। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। क्यों दूं आपको? 1 रुपया भी नहीं दूंगी। जो करना है जाकर कर लो, मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। मेरे साथ आना चाहता था ना, चल सामान पैक कर। ठीक है अम्मा। कैसी हो शोभा? सतीश तुम्हें बहुत याद करता है, वो कुत्ते वाला खिलौना देखकर। सतीश, याद है तुमको मैं कौन हूँ? याद है। अच्छा, कौन सा खिलौना पसंद है तुम्हें? कुत्ते वाला। कुत्ते वाला? और क्या क्या पसंद है? तुम इसे शॉपिंग के लिए लेकर जाओगी? 2 लाख रुपए मांग रहे हैं वकील साहब। 1 साल से मेहनत करके सतीश के लिए एक एक पैसा बचा रही हूँ मैं, ऐसी ही जिंदगी भर पेनल्टी देती रहूंगी तो कैसे चलेगा? ये दरअसल इनकम टैक्स मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं मानेंगी तो बहुत मुश्किलें आ सकती है, कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो तुम्हें किस काम के लिए रखा है मैंने? मुझे अगर जेल भी हो गई तो परवाह नहीं, अब एक पैसा भी नहीं दूंगी। दिखाई नहीं देता कि सामने कौन आ रहा है? देख कहाँ रहे थे तुम? गलती हो गई मैम साहब, माफ कर दीजिए। ये देखो साड़ी की क्या हालत कर दी तुमने, अभी बताती हूँ मैनेजर से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। बताए ये हम
जाए यहाँ से बताओ कहाँ जाना है साहब? हरिणी स्टूडियो जाना है। कितने पैसे लोगे? 25 पैसा साहब। मौसा जी, ट्राम में चलते हैं ना। एक बार कहा ना ऑडिशन खत्म हो गए, चले जाइए आप। आपकी लड़की किसी में फिट नहीं हो पाएगी। तमिल नहीं आती आप लोगों को? पार्वती दूसरी बीवी बनकर साथ रहने को तैयार होती? हाँ, क्यों नहीं होती? प्यार किया था ना वो देवदास। अगर जेमिनी गणेशन हो वजह से, मतलब गिरने में भी मुझे क्रेडिट नहीं दोगी मेरी ही वजह से। सब कुछ बर्बाद हो गया। इस अंत की शुरुआत कैसे करूं? एक कहानी ढूंढने गई थी और इतिहास मिल गया। शंकर जी अभी तक मुझे मिले नहीं, लेकिन कभी अगर मिल भी गए तो पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता था कि सावित्री जी की जिंदगी में फिल्म के अलावा और क्या होगा, लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी में ही उनकी असली महानता दिखाई दी। फिल्म के हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी, लेकिन अब उनमें ही थोड़ी सी जान बची है। वक्त से पीछे जाकर उन्हें बचाने का दिल कर रहा है मेरा, लेकिन वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। वो खुले आसमान की खूबसूरत चांदनी है और साथ में महानायिका भी। दीदी, क्या हुआ? आप मधुरवाणी जी? हाँ। पहले ही देना चाहिए था, गलती हो गई। इसे आप उन तक पहुंचा दीजिए। सावित्री जी, आपको ये फूल पसंद है ना? माता के मंदिर से लेकर आई हूँ। इस तरह से मुड़कर बात करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं और आपके लाखों चाहने वाले आपको जब भी याद करेंगे, देवदास की पार्वती, माया बाजार की शशि रेखा, मिस अम्मा की मिस मैरी की तरह ही याद करेंगे। कुछ महीनों पहले तक मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब आपको जानने के लिए निकली तो उस रास्ते पर मैंने अपने आप को भी जान लिया।
रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू करना चाहती थी ना आप, ज्योति याद है? उसकी शादी में डायमंड नेकलेस दिया था आपने, और जब आपको जरूरत थी वो लौटा नहीं पाई। इस बात का पछतावा आज भी है उसे। वो और सुशीला दोनों मिलकर वो नेकलेस बेचकर आपके नाम पर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, कब कहाँ कैसे करवट बदल दे ये आपकी जिंदगी से जाना। जितने दिन भी जीना है अपनी मर्जी से ही जीना है, ये आपसे ही सीखा है मैंने। आखिर में बचता ही क्या है? टुकड़ों में बटा हुआ प्यार, भूली बिसरी यादें। मुझे ये सब सिखाने के लिए मेरी तरफ से, मेरी अगली पीढ़ी की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। सब दुखी हो रहे कि आप नहीं रहेंगे, आपकी मौत कैसे, मौत तो आपके लिए है ही नहीं। प्यार करेंगी, आपके साथ हंसेंगी, आपके साथ रोएंगी, मौत तो आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए कुछ लेकर आई हूं मैं। मैंने सुना था कि आप इस फोटो को ढूंढ रही हैं। मुझे पुराने न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड्स में मिली, 1933, आपके पैदा होने से पहले की। ये लीजिए अपने पापा की फोटो, नाम भी लिखा है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिल्मों को छोड़ दे तो असल जिंदगी में तो नाटा है ना। लेकिन दिखने में कितना सुंदर है वो हीरोइन, देखी कैसी लग रही थी उसके साथ। ए, नागेश्वर राव से दोबारा मिलवाएगी? मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो रोज देखना शूटिंग पे। अरे बाप रे, मौसा जी आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। ए, दोबारा कब मिलेगी तू? कल वही फिल्म में। మీతో పాటు ఇంకా మాట్లాడాలనే ఉంది, మళ్ళీ మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి తప్పకుండా కలుసుకుంటానని చెప్పి మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్.